तो अब न्यूक्लियर टेस्ट होता क्या है सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलो एक्सप्लोजन ऑफ ए न्यूक्लियर डिवाइस इंडिया ने ऐसे दो न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं पोखरान वन एंड पोखरान टू ठीक है जो पोखरान वन था वो हमने किया था फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मे एटीन नाइनटीन इन पोखरान ये राजस्थान में है राजस्थान बॉर्डर पे पोखरान ये जगह जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे इसका कोड नेम है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ठीक है तो ये टेस्ट हमने क्यों किया था डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इंडिया केपेबिलिटी टू डेवलप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पजेज एंड द सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट दैट यू डन वाज कैरीड आउट ऑन 11th मे 1998 दिस दीज इंक्लूडेड थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस अलोंग विद ए फिशन डिवाइस ठीक है अभी होता क्या है थर्मो डिवाइस अलॉन्ग विद ए फिशन डिवाइस इसमें बेसिकली टू स्टेजेस पे काम करता है दी प्राइमरी स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज तो प्राइमरी स्टेज में क्या होता है आपका न्यूक्लियर फिशन होता है प्राइमरी स्टेज में दैट रिलीजेज सम एनर्जी ठीक है तो वो एनर्जी है वो ट्रिगर ट्रिगरिंग पॉइंट होता है आपकी सेकेंडरी स्टेज का जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन ठीक है तो आप बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में जो प्राइमरी स्टेज है इट क्रिएट सम नेसेसरी कंडीशंस फॉर सेकेंडरी स्टेज वे फ्यूजन अकर्स देखो ये एस का टॉपिक नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो आप थोड़ा सा इतना याद रखोगे तो इट वुड सिमिलर uh, ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर डिवाइस थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस जो भी मैंने आपको बताया ये सिमिलर है टू द प्रोसेस दैट पावर्स सन फाइन तो ये दो टेस्ट करने के बाद इंडिया ने डिक्लेयर अनाउंस किया अ सेल्फ इम्पोज मोरेटोरियम ऑन फर्दर टेस्टिंग दैट मीन्स इसने कहा खुद ही एक रुकावट लगाई कि हम फर्दर टेस्ट नहीं करेंगे अब बात यह है कि इंडिया ने जो ये दो टेस्ट किए हैं इसका क्या रीज़न था इंडिया वाई डिड इट चूज टू एक्सरसाइज न्यूक्लियर ऑप्शन इन नाइनटीन नाइनटी एट ठीक है तो ये हम देख लेते हैं चाइना जो है ऑलरेडी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका था इट हैड एक्वायर्ड इट्स न्यूक्लियर वेपन इन अक्टूबर 1964 और मिड मिड बाय चाइना हैड ऑलरेडी कंडक्टेड एज एज मेनी 45 न्यूक्लियर टेस्ट विच इंक्रीज कंसर्न ऑफ इंडिया क्योंकि चाइना जो हमारा इमीडिएट नेबर है और हम एक हमारा फ्रेंडली रिलेशन नहीं है चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ और दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुके थे तब तक तो वी ऑल्सो हैड टू बका रिपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी बोथ इन जे एंड के एंड इन पंजाब प्रेशर टू साइन एनपी टी इन सी टी बी टी ठीक है एनपी टी होता क्या है नॉन प्रोलिफिनेशन ट्रीटी है ठीक है इसका क्या मतलब है बेसिकली एनपीटी क्या करता है ये आपके जो वर्ल्ड है उसको डिवाइड करता है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में ठीक है दैट मीन्स आपकी फ़ाइव कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन थे उस टाइम तक भी फाइव कंट्रीज़ और आपके नॉन न्यूक्लियर स्टेट जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और ये अब बात करता है न्यूक्लियर डिस डिसआर्मेंट की कि अब हमें डिस्करेज करना है यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और फर्दर कंट्रीज़ जो है वो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर वेपन्स न्यूक्लियर वेपन स्टेट अब नहीं बन सकते हैं वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट ही रहेंगी वो एक्वायर नहीं कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रीटी और नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ठीक है तो इंडिया को ये चीज गवारा नहीं थी क्योंकि इंडिया के लिए ये डिस्क्रिमिनेटरी था इनका कहना था कि ये जो पी फाइव कंट्रीज काउंसिल की परमानेंट फाइव कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है यूएस यूके फ्रांस चाइना एंड रशिया आपने मोनिक में इसको ऐसे फुकरा करके भी याद रख सकते हो एफ यू सी आर ए फ्रांस यूके चाइना रशिया अमेरिका वो आपका यूएस हो गया ठीक है इन फाइव अपी फाइव कंट्रीज़ का कहना था अब ये असिस्ट नहीं करेंगे फर्दर किसी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए तो इंडिया ने कहा डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि वर्ल्ड को ऐसे डिस्टिंग्विश कर रहा है न्यूक्लियर वेपन और नॉन न्यूक्लियर वेपन में और हमारे इमीडिएट नेबर्स जो थे वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थी तो हमारे लिए हाई कंसर्निंग था इसीलिए इंडिया ने अभी तक ये साइन नहीं किया है सेकेंडली जो सी टी बी टी दैट इज़ कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर वेपन टेस्ट ट्रीटी ठीक है तो ये क्या करता है फर्दर जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है बोथ फॉर पीसफुल पर्पज और फॉर मिलिट्री पर्पज उसको बैन करता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी इसको बोला जाता है इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू आइदर ऑफ द टू ठीक है ये दोनों की सिग्नेटरी इंडिया नहीं है इंडिया वॉज अगेंस्ट दी एग्जिस्टिंग डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर ऑर्डर जैसे मैंने कहा एनपीटी ने वर्ल्ड को डिवाइड किया था पी फाइव एंड अदर्स में फाइन तो इसके बाद भी न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो एक्वायर किए गए करंटली नाइन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वर्ल्ड की एक तो ये फाइव आ गई सेकेंडली इज ये निमोनिक पिंक करके याद रख सकते हो पाकिस्तान इंडिया इसराइल नॉर्थ कोरिया तो यहां से आपका फुकरा हो गया यहाँ पे आपका पिंक हो गया ठीक है ये सारी आपकी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं तो ये रीजन था कि इंडिया ने चूज किया न्यूक्लियर ऑप्शन 1998 में आगे देखते हैं हम इंडिया जो है इसने ना एनपीटी साइन किया ना सीटीबीटी ठीक है इसके बजाय इंडिया ने क्या किया अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन जो है वो लेके आया न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन होता क्या है इट स्टेट्स की जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट होगी जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन होंगे हाउ इट वुड एम्प्लॉय इट्स न्यूक्लियर वेपन्स ड्यूरिंग बोथ पीस एंड वॉर ऐसा एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन जो था वो इंडिया ने बनाया उसको पहली बार रिलीज किया गया अगस्त 1999 में हम देखते हैं अब इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है पहला है बिल्ड करना एंड मेंटेन करना क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंट अब देखो डिटेरेंट मीन्स डिस्करेज करना यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन हम एक क्रेडिबल मिनिमम दैट डेट मीन्स हमारा डिटर करने का एक लुकआउट ऐसा होगा कि वो क्रेडिबली क्रेडिबल होगा कि हम डिटर uh, करेंगे न्यूक्लियर वेपन के यूज को फाइन और सेकेंडली हम क्या करेंगे हम प्रोवोक नहीं करें हम अननेसेसरी प्रोवोक नहीं करेंगे एक आर्म्स रेस एक न्यूक्लियर वॉरफेयर ठीक है तो क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंट पे हम बिलीव करते हैं मैसिव न्यूक्लियर रिटेलिएशन और ये आप नो फर्स्ट यूज के साथ देख लो कि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है दैट मीन्स हम पहले अटैक नहीं करेंगे हाँ हम रिटेलिएट कर सकेंगे अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे पहली पहला हम यूज नहीं करेंगे तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी काफी बार न्यूज में आ चुकी है नॉन यूज़ ऑफ़ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट अगर कोई ऐसी कंट्री जो नॉन न्यूक्लियर है वो हम पे अटैक कर रही है फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश पे अटैक करती है किसी दूसरे मीन से तो हम न्यूक्लियर वेपन जो है उसमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है कंट्रोल्स ऑन जो एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एंड मिजाइल रिलेटेड मटीरियल हैं उसको रेगुलेट करना ठीक है और न्यूक्लियर अटैक्स जो है वो ऑथराइज करेगा सिविल इन पॉलिटिकल लीडरशिप कोई भी ऐसे मिनिस्टर आके उस बारे में उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है उस चीज में डिसीजन लेने की थ्रू अ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी वो यहाँ पे दिया हुआ है उस काउंसिल में कौन कौन है ये भी आप एक बार देख सकते हो रिटेलिएशन विद न्यूक्लियर वेपन इन केस ऑफ मेजर अटैक बाय बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन अगर होगा बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन से अगर कोई अटैक करेगा तो हम रिटेलिएट न्यूक्लियर वेपन से कर सकते हैं और फाइनली कमिटमेंट टू अ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड फाइनली हर को यही चाहता है कि हम एक न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड में रहें न्यूक्लियर वेपन का यूज जो है वो ना हो उस यूज को हमें अवॉइड करना होगा सिग्निफिकेंस क्या है आपका इंडिया का न्यूक्लियर स्टेट वेपन स्टेट बनने का कि इम्प्रूव किया इसने इंडिया के इंटरनेशनल स्टेचर को कैसे इम्प्रूव किया क्योंकि अब इंडिया हमारे पास uh, चार मल्टीलेट्रल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम्स हैं इसमें से थ्री के मेंबरशिप इंडिया इंडिया के पास ऑलरेडी है वो आपका एम टी सी आर है हो गया वासना अरेंजमेंट ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एंड इट इज नाउ एक्टिवली सीकिंग मेंबरशिप ऑफ एन एस जी ऑल्सो अब ये मल्टीलेट्रल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम क्या होता है ये रेगुलेट करता है आपका एक्सपोर्ट ऑफ कुछ सेंजिटिव uh, गुड्स को या सेंसिटिव टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन उसको कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करता है उसके एक्सपोर्ट को फाइन इसके अंडर आपके पास चार कंट्रोल रजीम्स आते हैं पहले हो गया आपका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है ये कंट्रोल करता है एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल्स को न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल टेक्नोलॉजी ताकि फर्दर जो स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है उसको रोका जा सके एम आपका मिजाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम है ये क्या करता है ये कंट्रोल करता है प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स जो केपेबल होते हैं डिलीवर करने के लिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उनकी प्रोलिफिशन को रेगुलेट करता है वसिनार अरेंजमेंट ये किससे रिलेटेड आपके जो कन्वेंशनल आर्म्स है उससे रिलेटेड है तो ये प्रिवेंट करता है उनकी एक्यूमुलेशन को ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है उनकी एक्यूमुलेशन को और एक ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म्स ट्रांसफर में उसको इम्प्रूव करता है और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ये क्या करता है कंट्रोल एक कंट्रोल करता है एक्सपोर्ट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन रिलेटेड मटेरियल या उसके इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज तो ये सारी चीज़ें एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम के अंडर आती हैं इसमें से इन चार ग्रुप्स में थ्री के मेंबर्स मेंबरशिप ऑलरेडी इंडिया के पास है एंड आल्सो इंडिया इज़ नाउ एक्टिवली सीकिंग द मेंबरशिप ऑफ एनएसजी आल्सो ये एक सिग्निफिकेंस हो गया सेकेंडली आपका सिक्योरिटी सिचुएशन अलॉन्ग द बॉर्डर जैसे मैंने कहा ये आपका इंडिया है यहाँ से पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान चाइना इसकी नेबरहुड में है और दोनों ही जो है हमारी एनिमी कंट्रीज है और न्यूक्लियर वेपन स्टेट है इसीलिए खुद भी हमारा न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना काफ़ी इंपॉर्टेंट था इंडिया अमंग दी फोरमोस्ट ग्लोबल मिलिट्री पावर्स क्योंकि इंडिया के पास अब ऑपरेशनल न्यूक्लियर ट्रे की कैपेबिलिटी है दैट मीन्स वी कैन लॉन्च न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम लैंड एयर एंड सी इससे हमें एंट्री मिलती है एक एलिट ग्रुप ऑफ ग्लोबल मिलिट्री पावर्स में एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर देखो एनर्जी जो जनरेटिंग कैपेसिटी है हमारी इंक्रीज़ हो गई है 1998 टू तो 99 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 205 परसेंट तक इंक्रीज़ हो गई हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन इन रिलेशन विध यूएसए रिलेशन कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए हमने एक इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन की 2008 में जिसने इनेबल किया सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन दैट मीनस न्यूक्लियर कॉपरेशन सिविल मेथड फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी uh, बोल सकते हो तो ऐसी चीज़ें जो है उसने इंडिया को एक नया रिलेशन भी ट्रांसफॉर्म किया यूएसए के साथ और सेकेंडली हमारी टेक्नोलॉजिकल केपेबिलिटी जो है वो भी दुनिया को पता चली आप इसमें भी एग्जाम्पल ले सकते हो हमने एन एस एस पी साइन किया विद यूएस दैट इज़ नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू थाउजेंड फोर में इसका क्या मतलब हुआ स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन बढ़ गई इंडिया यूएस के बीच में कुछ एरियाज में जैसे डिफेंस हो गए या स्पेस एक्सप्लोरेशन ठीक है ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजिक एरियाज में हमारी कोऑपरेशन यूएस और इंडिया की बढ़ गई और परसेप्शन ऑफ इंडिया एंड नेशनल प्राइड तो हमारे एक नेशनल प्राइड की भी बात होगी क्योंकि हमारी साइंटिफिक केपेबिलिटीज का पता चला लोगों को इट ऑल्सो गेव बूस्ट टू द ग्लोबल स्टेचर ऑफ द नेशन ठीक है ये बॉक्स में देख लेते हैं क्या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है अब देख लेते हैं no first use policy हम डू वी नीड टू रिवाइज आर नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी मैंने आपको कहा नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी मीन्स हम न्यूक्लियर वेपन्स को इन रिटेलिएशन यूज़ करेंगे लेकिन हम पहले उसको यूज़ नहीं करेंगे ये पॉलिसी हम इंडिया न्यूक्लियर डॉक्टर के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं तो ये इसका क्या नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स है ये हम दोनों देख लेते हैं नेगेटिव्स में देखो ये जो इन मेकर्स है उनकी कैपेबिलिटी को उनकी स्ट्रैटेजिक स्पेस को लिमिट करता है क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो लॉन्च नहीं कर सकते किसी भी एनिमी कंट्री पे पहले ठीक है तो फिर उनको करना क्या होगा उनको रिटेलिएट करने के अलग तरीके ढूंढने होंगे और जो न्यूक्लियर डिटेरेंस की बात हुई थी डिस्करेज करने की न्यूक्लियर वेपनरी को उसका भी फेलियर हमने देखा क्योंकि अटैक्स तो हम पे वैसे भी होते गए जहां पे फिर पर न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते थे पर हम नहीं कर पाए चाहे वो मुंबई अटैक की बात हो या करगिल वॉर की बात हो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ दू पॉलिसी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के फेवर में कुछ देख लेते हैं इट ऑब्वेट्स प्रियम्शन विच वुड अदरवाइज प्लेस कंसिडरेबल प्रेशर ऑन दी इंडियन डिसीजन मेकरस उस चीज़ को रोक देता है उन पर प्रेशर नहीं पन्ने देता है क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियर वेपन तो चलो ऑप्शन नहीं है फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर करेंगे हम पहली न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक जो है वो हम नहीं कैरी uh, आउट कर सकते हैं इट हेल्प्स इंडिया टू अवॉइड पिटफॉल्स और बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस न्यूक्लियर केपेबिलिटी Deployed ऑन हेयर ट्रिगर अलर्ट अगर हमारे पास ये ऑप्शन हो कि हम फर्स्ट यूज कर सकते हैं तो हमें हमेशा एक हेयर ट्रिगर अलर्ट पे रहना पड़ेगा क्योंकि कभी भी हमें यूज करने की जरूरत पड़ सकेगी और उस चीज के लिए हमें काफी खुद को टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाना होगा हमारी जो न्यूक्लियर capability है वो काफी एडवांस होनी चाहिए जो हमारे लिए फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा आप बोल सकते हो महंगी हो जाएगी इन सिंपल वर्ड्स इट कन्वेज न्यूक्लियर रेस्टोरेंट टू द वर्ल्ड एंड इंडियाज एडिवर्सिज की अगर हम पे कोई भी कोई अटैक करता है लेकिन फिर भी हम न्यूक्लियर एस्ट्रेन जो है उसको प्रैक्टिस करते हैं और जो कन्वेंशनल अटैक्स एंड है उनको हम कन्वेंशनल लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं इसीलिए हमें न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ को आउट ऑफ इक्वेशन रखना चाहिए ठीक है जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने की पी ओ के पे इन टू थाउजेंड सिक्सटी और एयर स्ट्राइक्स जो हमने बालाकोट में की टू थाउजेंड नाइनटीन में दैट मीन्स हमने कन्वेंशनल अटैक को कन्वेंशनल लेवल पे ही किया क्योंकि अगर हर जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो न्यूक्लियर वेपन यूज करने लगी तो यहाँ पे इस दुनिया में रहना काफी मुश्किल हो जाएगा अब ये हम देख लेते हैं चैलेंजेस क्या है इन द न्यूक्लियर डोमेन इंडिया के लिए पाकिस्तान का यूज ऑफ सब कन्वेंशनल वॉरफेयर डिस्पाइट न्यूक्लियर डिटेरेंस की हमने कहा है हम डिस्करेज कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपनरी न्यूक्लियर यूज को लेकिन फिर भी वो कई तरीकों से टेररिज्म वगैरह से हम पे अटैक कर कर रहे हैं बॉर्डर्समिश अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर ठीक है बॉर्डर पे जो इश्यूज रहते हैं वो इन चाइना के साथ नो प्रोग्रेस ऑन द गोल ऑफ कम्प्लीट डिसाम की बात तो हो रही है लेकिन ऐसा नहीं होता है भी टेक्टिकल वेपन्स न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हो रहे हैं जिसकी एग्जाम्पल ईरान है इसीलिए ईरान पे काफी ज्यादा सैक्शन भी इंपोज किए जाते हैं पाकिस्तान टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है और ये भी फेयर रहता है कि कोई मिलिट्री एंगेजमेंट अगर बढ़ गई उसमें भी या अगर कोई लिमिटेड मिलिट्री एंगेजमेंट भी हुई तो इवेंचुअली वो फाइनली किस पे लीड करेगा न्यूक्लियर वॉर पे हमारी मिलिट्री एंगेजमेंट्स इवेंचुअली हमें न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले जा सकती हैं और एटॉमिक एनर्जी सेक्टर को उतना बेनिफिट नहीं हुआ है जितना ही होना चाहिए था ये चैलेंजेस है न्यूक्लियर डोमेन में इंडिया के लिए और इसका कंक्लूजन देख लो इंडिया को पहले एड्रेस करने चाहिए जो इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट थ्रेट्स हैं वो कैसे कर सकते हैं अपने को टेक्नोलॉजिकली एडवांस बना सके बना के बिल्ड करके सफिशियंट एंड रेजिलेंट रिटेलियटरी कैपेबिलिटी ताकि क्रेडिबल डिटेरेंस जो मैंने आपको अभी बताया था उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सके सेकेंडली हमें कोशिश करनी चाहिए ग्लोबल इन्वायरमेंट जो है उसको एक कंड्यूसिव बनाना चाहिए टू पीस एंड यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसाउमेंट ठीक है तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया थोड़ा न्यूक्लियर थर्मल थर्मो डिवाइस के बारे में अगर आप पढ़ना चाहो वो डिटेल में पढ़ सकते हो इसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आई के लिए सेकेंड हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरी रोल क्या है टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी ठीक है प्राइमरी रोल इज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी अब ये जो बॉडी है स्टार्ट कब हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अब देखो वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक ऐसी बॉडी बनी थी लीग ऑफ नेशन इसका प्राइमरी एम क्या था प्रिवेंट करना जैसे वर्ल्ड वॉर वन था ऐसे ही किसी बड़े इतने मास स्केल पे किसी वॉर को प्रिवेंट करने के लिए लेकिन ये बॉडी फेल हो गई थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड फिर भी हुआ था तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ऐसे ही एक बॉडी बनी थी यूनाइटेड नेशंस ताकि वो मेंटेन कर सके वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी पर्पज देख ले स, देख सकते हो यहाँ पे भी इसका मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ ठीक है है इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स एक आगे आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एक इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ट्रस्टीशिप काउंसिल ठीक है जो ओवरलुक ट्रस्टीशिप काउंसिल जो ओवरलुक करता है टेरिटरीज जो किसके अंडर थी कॉलोनियल रूल के अंडर ठीक है तो ये न्यूज में क्यों है यूनाइटेड नेशन अभी फोर्टी नाइन्थ ग्रुप ऑफ जी सेवन समिट हुआ था जी सेवन समिट हम आगे पढ़ेंगे इंडिया ने क्वेश्चन किया यूएन की एबिलिटी को टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट तो मैंने आपको कहा बॉडी बनी किस लिए थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी ताकि आगे कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो तो इंडिया ने इस चीज को क्वेश्चन किया और इंडिया ने कहा कि वाई इट हैज नॉट बीन एबल टू अराइव एट अ डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म एक सिंगल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म जो है वो यूएन ने नहीं दी है उसके काफी रीजन हो सकते हैं जैसे डोमेस्टिक लेजिसलेशन हर कंट्री का अलग हर इसकी हर मेंबर स्टेट का अपना अलग लेजिस्लेशन है टेररिज्म को लेके तो एक कंफ्यूजन uh, क्रिएट हो जाएगा अगर हमारे पास एक ही चीज की अलग अलग डेफिनेशन होंगी और जो मेंबर स्टेट्स है उनका पॉलिटिकल सोशल बैकग्राउंड रिलीजियस बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस बैकग्राउंड सबका अलग है ठीक है तो इससे भी क्या हो जाता है इसे एक डेफिनेशन पे अराइव करना जो कि अम्ब्रेला टर्म हो सारे मेंबर स्टेट्स के लिए वो पॉसिबल नहीं है थर्ड आप ये रीजन भी इसमें बोल सकते हो कि एक कंट्री जिसको टेररिस्ट बुलाती है दूसरी कंट्री उसको फ्रीडम फाइटर भी बोल सकती है तो इसलिए भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि टेररिज्म को लेकर यूएन ने कुछ नहीं किया है काउंटर टेररिज्म कमेटीज जो हैं काउंटर टेररिज्म कमिटीज वो बनी हैं चाहे कोई एक डेफिनेशन अगर ना भी हो लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ तो टेररिज्म के भी कॉम्बैट करने के लिए टेररिज्म को कुछ चीजें की हुई हैं ठीक है एक जैसे मैंने आपको कहा काउंटर टेररिज्म कमेटी बनी है या जो भी ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज हैं वहां पे अपने पीस कीपर्स जैसे आप उनको बोल सकते हो उनके फोर्सेस या पुलिस यूएन की स्पेशल पुलिस आप उसको बुला सकते हो उनको ब्लू हेलमेट्स भी बोला जाता है तो उनको उन जगहों पे भेज दिया जाता है वो चीजें देखने के लिए तो इंडिया ने इस चीज को भी क्वेश्चन किया और इंडिया ने कहा अब इट्स हाई टाइम कि हम यूनाइटेड नेशंस में कुछ रिफॉर्म लेके आए अब कुछ रीजन है यूएन को पेपर टाइगर या टूथलेस टाइगर भी बोल सकते हो इसको ऐसे ऐसे नाम बोले गए हैं अब क्या रीजन है वो क्यों नहीं रिजोल्व कर पाते कॉन्फ्लिक्ट को क्योंकि देखो यूएन एस सी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काफी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है यूएन का इसके पास सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर है इसमें इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं पी फाइव जो मैंने आपको पहले भी बोला जो अपने मोनिक फुकरा से मैंने कहा था याद रख सकते हो फ्रांस यूके चाइना रशिया एंड यूएस अमेरिका ए फॉर अमेरिका ठीक है इनके पास वीटो पावर है तो ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट भी या अपने किसी फ्रेंडली अः कंट्री किसी पार्टनर कंट्री का इंटरेस्ट भी जैसे इंडिया जब भी रेस करता है इश्यू ऑफ टेररिज्म यूएन में तो चाइना हमेशा उसको वीटो करता है ठीक है और पाकिस्तान को पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करता है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है इसमें इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं हो पाते एक लिमिटेड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है क्योंकि देखो जो भी उन्होंने कोई भी अगर वो बात बोले उसको एनफोर्स करने के लिए अपने डेसीजन्स को एनफोर्स करने के लिए उनको कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए वो किस तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है ट्रूप्स के जरिए जैसे पीस कीपर फोर्सेस भेजनी हो या मॉनेटरी रिसोर्सेज के जरिए और ये सारी चीजें जो है ये वॉलेंटरी हैं तो इस वजह से उनके डेसीजन अटक जाते हैं वो उसको प्रॉपरली एनफोर्स नहीं कर सकते हैं और यूजली जो मेम्बर कंट्रीज हैं वो रिसोर्सेज को देने में अनेबल उस रिसोर्स को कमिट करने में अनविलिंग और अनेबल रहे हैं ठीक है सॉवेरिटी है नेशनल इंटरेस्ट तो सॉवेनिटी की वजह से भी वो अपनी चीजें इम्पोज नहीं कर पाते वो इंटरव्यू नहीं कर पाते हैं मैटर्स में जैसे इंडिया देखा जाए हम भी एक सॉवेर कंट्री हैं तो हमारे इंटरनल पर्सनल मैटर्स में अगर वो कुछ बोलेंगे तो हम भी उस चीज को नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो सॉवरन कंट्री होती है वो खुद अपने डेसीजन uh, ले सकती है किसी और कोई और कंट्री उसकी जगह कोई डिसीजन उस उसपे एनफोर्स नहीं कर सकता है कॉम्प्लेक्सिटी इन डिसीजन एंड डिविजन क्योंकि जो मेंबर स्टेट्स हैं काफी ज्यादा मेंबर स्टेट्स हैं तो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं उसमें ठीक है तो यू एन को प्रोवाइड करना एक सोल्यूशन जो सबके लिए सब स्टेक होल्डर्स के लिए एक्सेप्टेबल हो वो पॉसिबल नहीं है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसको फाइनेंस कौन देखो यूजुअली केसेस जाते हैं गरीब कंट्रिया जिसमें इन्वॉल्व होती हैं और फाइनेंस कौन करता है यूजुअली जो यूएस वगैरह जैसी कंट्रीज तो इस फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से भी इसके लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से भी उनके मोस्टली जो डिसीजन है आप बोल सकते हो बायस्ड होते हैं या वो एक प्रॉपर डिसीजन पे अराइव वो नहीं कर पाते हैं ठीक है तो हाउ इट कैन बी मोर इफेक्टिव कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि यूएन ज्यादा इफेक्टिव हो स्ट्रेंथनिंग कलेक्टिव प्रिवेंटिव एफर्ट्स आप प्रिवेंटिव uh, डिप्लोमेसी जो है उस वो उस पर ध्यान दे सकते हैं प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी मीन्स डिप्लोमे डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट्स या जैसे डिस्कशंस के थ्रू नेगोसिएशन के थ्रू आप क्या करो जो कॉन्फ्लिक्ट ठीक है टेंशन है आप उनको अवॉइड कर सकते हो रिफॉर्म्स लेके आओ यू में जैसे आपने पी फाइव कंट्रीज दी हैं उसमें आप अपनी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस को भी उसमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए यूएनएससी में क्योंकि यू काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यू का इम्प्रूव करो पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है उनको ट्रेनिंग केपेबिलिटीज और जो मैंडेट है पीस कीपर्स का वो बढ़ाओ इन्हांसिंग जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से आसियन हो गया या अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन यूनियन हो गया उसके साथ कॉप्रेशन अपनी बढ़ाओ एड्रेस करो रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आए से पावर्टी इन इक्वाल्टी गवर्नेस इशूज़ या ह्यूमन राइट वायलेशन जो है इस कॉज ऑफ़ जो कॉन्फ्लिक्ट हैं इन पर आप आ, इनको एड्रेस करो जो रूट कॉज हैं कॉन्फ्लिक्ट यूजली ये चीज़ें होती हैं पावर्टी इन इक्वालिटी या एच आर वी या गवर्नेंस ईशूज मोबिलाइज करो सफिशियंट रिसोर्स इससे मेंबर कंट्रीज हेल्प कर सकते हैं जो अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं उनको वो पूरा करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट प्रिंसिपल फॉलो करो दैट मींस ये कंट्रीज जो है वो रेस्पॉन्सिबल है कंट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रमोट करेगा ट्रस्ट ऑफ पीपल एंड कंट्रीज इन द यू एन तो कंक्लूजन में आप देखो बिगेस्ट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है प्रोएक्टिवली काम करे और कुछ रिफॉर्म्स जो है वो नीड ऑफ द आवर है टू मेक इट मोर इफेक्टिव अब बॉक्स में देखते हैं क्या लिखा है रोल प्लेड बाय यूएन ने क्या अभी तक काम किया है मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी एग्जांपल्स आ गुड फ्राइडे नॉर्दर्न आयरलैंड में हुआ था पीस काइंड है बिटवीन वहां के यूनियन कम्युनिस्ट और वहां के यूएन यूनियन कम्युनिस्ट एंड नेशनलिस्ट के बीच में ठीक है वैसे एक पीस अग्रीमेंट सूडान में हुआ है यूएन पीस कीपिंग मिशन कॉन्फ्लिक्टेक्टेड रीजन में जाते हैं टू मेंटेन स्टेबिलिटी डीकोलोनाइजेशन जो यूएन एन यूनाइटेड नेशन जनरल किया था डिक्लेरेशन ऑन इंडिपेंडेंस टू कॉलोनियल कंट्रीज एंड पीपल इन 1960 ठीक है जिससे क्या हुआ था काफी ज्यादा जो है वो फ्री हो गए थे कॉलोनियल रूल से ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल लॉ आर बिंग सेट इट आर बिंग सेट बाई इट ठीक है उसके लिए क्या इनिशियटिव उठाए हैं जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एटसेट्रा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसके बारे में आपने पढ़ा होगा ह्यूमानिटेरियन असिस्टेंस एंड रिलीफ थ्रू यूएनएचसीआर डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू एफ पी वर्ल्ड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वगैरह तो इसने काफ़ी ज्यादा जो है इंडिया में भी काम किया है इन ऑर्गेनाइजेशन ने इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड रिलीफ ने काफी यहाँ के भी स्कीम्स को जो है स्पॉन्सर है वो किया है रोल ऑफ इंडिया क्या है इसमें रिजोल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट इमीडिएट कर सकता है ठीक है डिप्लोमेटिकली डायलॉग प्रमोट कर सकता है या अनकरेज करने के लिए पीसफुल रेजोल्यूशन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अब देखो इंडिया जो है फॉलो करते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जब वर्ल्ड को दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया हो गया था यूएन एक तो यूएस हो गया आपका और आपका सोवियत यूनियन हो गया ठीक है कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट में जब वर्ल्ड डिवाइड हुआ था तो इंडिया ने ये डिसीजन लिया था कि साइड्स नहीं लेगा ये किसी भी एक ब्लॉक में अलाइन नहीं करेगा ठीक है तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जैसी चीजें जो इंडिया ने ऑलरेडी की बोली हुई है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन डेवलपमेंट के काम कंट्रीज uh, में एड्रेस करने के लिए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को जैसे इसने अफगानिस्तान में काफी काम किया है वहां लाइब्रेरीज वगैरह लाइब्रेरीज हॉस्पिटल्स बनाए हैं इंडिया ने काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स ताकि एडवोकेट कर सकें ग्लोबल कॉपरेशनल को ग्लोबल कॉपरेशन को और इंडिया ने हर ग्लोबल uh, प्लेटफॉर्म पे टेररिज्म का जो है इशू वो रेज किया है पीस कीपिंग ऑपरेशन इंडिया ने भेजे हैं कंट्रीज लाइक कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीज लाइक लेबनान कांगो कॉन्गो साउथ सुडान हैथी एट्सेट्रा वहां के प्रोटेक्ट करने के लिए सिविलियंस को एंड फैसिलिटेट करने के लिए पीस प्रोसेस पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप यूएन को भी इन डिटेल पढ़ोगे यहाँ पे हम सिर्फ जो करंट रिलेटेड चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द डील्स विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट नेशनस मतलब डिफरेंट कंट्रीज जो वर्ल्ड की आपस में ट्रेड करते हैं उसको रेगुलेट करता है ठीक है तो काम कैसे करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये आप बोल सकते हो ये ट्रेड नेगोशिएशंस करता है दैट मीन्स टू डेवलप्स द ट्रेड अग्रीमेंट्स ट्रेड अग्रीमेंट्स प्लस ये क्या करता है ये अगर जो डिफरेंट कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो ये एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ठीक है और ये मॉनिटर करता है ट्रेड्स एंड पॉलिसीज को मॉनिटर करता है ट्रेड्स एंड पॉलिसीज को कि जो ट्रेड है वो कोई अनफेयर मीन्स या डिस्क्रिमिनेटरी नेचर के हिसाब से ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज तो नहीं हो रहा है तो इन सारी चीजों पर नजर कौन रखता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज में था कि इंडिया ने एक अपील किया है अगेंस्ट अ रूलिंग बाय दी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एट डब्ल्यू देखो डब्ल्यू की एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है जो क्या करता है ट्रेड डिस्प्यूट्स जो भी अराइज होते हैं बिटवीन मेंबर स्टेट्स बिटवीन डिफरेंट नेशनस उनके बीच में जो ट्रेड डिस्प्यूट अराइज होते हैं वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है और अपनी अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन सुनाता है तो उस डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में ही हमारे पास एक एप्लेट बॉडी भी है जो क्या करता है जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की जो भी रूलिंग होगी उसके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं वो अपील हम कहा करते हैं एक एपलेट बॉडी में ठीक है एपिलेट बॉडी में तो इंडिया ने भी यही रूट अपनाया इंडिया के अगेंस्ट एक रूलिंग दी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने कहा कि इंडिया ने वायलेट किया है जीरो टैरिफ कमिटमेंट अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट ठीक है तो इस रूलिंग के अगेंस्ट इंडिया ने कहा अपील किया एपिलेट बॉडी में तो अब स्टार्ट करते हैं इससे जीरो टैरिफ कमिटमेंट क्या होता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट क्या है देखो जीरो टैरिफ कमिटमेंट क्या हुआ हमें पता है इंडिया क्या करता है ये गुड्स को इम्पोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है ठीक और एक्सपोर्ट करता है अब अगर हम टैक्स करेंगे टैक्स इंक्रीज करेंगे हमारे जो इम्पोर्टेड गुड्स है उनपे तो उनका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा ठीक है तो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो है उनकी सेल ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फॉरेन प्रोडक्ट्स तो एक इम्बेलेंस सा क्रिएट हो जाएगा ठीक है मार्केट में इस वजह से क्या होता है कंट्रीज ये अंडर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आता है एफ टी ए जीरो टैरिफ कमिटमेंट जो है वो जीरो टैरिफ पे कमिट करते हैं कि हम इम्पोर्टेड गुड्स में या तो जीरो टैक्स कर देंगे उनको या बहुत ही कम टैक्स रखेंगे ताकि जो इम्पोर्टेड गुड्स है उनको भी एक फेयर प्ले एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इंडिया में मिले ठीक है तो अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट का क्या है? मतलब वो आई के जो प्रोडक्ट्स है उस पर भी क्या कहा गया था कि जीरो टैरिफ कमिटमेंट के लिए इंडिया अग्री हुआ था लेकिन डिस्प्यूट अम, लेकिन डब्ल्यू टी में क्या कंप्लेंट आई कि इंडिया ने उसको वायलेट किया है तो इस रूलिंग के अगेंस्ट इंडिया ने अपील किया लेकिन अब प्रॉब्लम ये है जो एपलेट अप, बॉडी है करंटली वो डिसफंक्शनल है वो डिसफंक्शनल क्यों है क्योंकि देखो ये जो एपलेट बॉडी है ये सेवन मेंबर बॉडी होती है 4 ईयर टर्म के लिए ठीक है उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो इसमें बॉडी को फिर से इलेक्ट करती है सिलेक्शन कमेटी और ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये कैसे बनती है ये मेंबर के कंसेंसस पे बनती है डब्ल्यूटीओ का चाहे कोई भी डिसीजन हो या कोई भी रूलिंग हो वो सारी कंसेंसस पे बेस्ड है तो यूएस ने क्या किया अपने ब्लॉकिंग पावर को यूज करके उन्होंने कंसेंसस नहीं दिया है सिलेक्शन कमेटी के लिए तो उन्होंने क्या किया उन्होंने ब्लॉक किया है फर्दर अपॉइंटमेंट टू द सिलेक्शन कमेटी जब सिलेक्शन कमेटी ही नहीं बनेगी तो एपिलियट बॉडी जो है उसके मेंबर्स भी इलेक्ट नहीं होंगे ठीक है तो इस वजह से जो हमारी एपिलेट बॉडी है वो करंटली क्या है डिसफंक्शनल है करंटली और यूएस ने ऐसा क्यों किया क्योंकि उनका मानना है कि जो डब्ल्यू है वो उसके रूल्स को सही से इंटरप्रेट नहीं कर रहा है वो सही से काम नहीं कर रहा है तो इस वजह से उन्होंने इसको अभी इसकी जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है एपिलेट बॉडी का उसको ब्लॉक किया है दैट इज व एपिलेट बॉडी इज करंटली डिसफंक्शनल इस वजह से जो अपील फाइल की है इंडिया ने बिफोर द एपिलेट बॉडी उसको कंसिडर किया जाता है अपील इन टू दर्ड इंडिया ने आर्ग्यूल किस बेसिस के अंडर प्रोडक्ट थे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट के अंडर प्रोडक्ट थे ठीक है आप कह रहे हो जीरो टैरिफ कमिटमेंट पे थे जीरो टैरिफ कमिटमेंट लेकिन जब ये रूल्स बनाया गया था तब स्मार्टफोन एग्जिस्ट नहीं करते थे तो जरूरी नहीं है हम जीरो टैरिफ स्मार्टफोन्स पे भी दें हम उन्ही प्रोडक्ट्स पे देंगे जो तब एग्जिस्ट करते थे जब ये रूल बना था ठीक है ये इंडिया का कंसर्न है तो इंडिया भी यहाँ पे बिल्कुल सही बात कर रही है आई कवर करता है हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को जैसे कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट सेमीकंडक्टर सॉफ्टवेयर तो इन सब पे क्या इंडिया ने अग्री किया है जीरो टैरिफ कमिटमेंट अब इंडिया का कहना है ठीक है तब स्मार्टफोन्स नहीं थे तो इस पे हम जीरो टैरिफ पे क्यों अग्री करें ठीक तो ये था जो आपकी न्यूज में था अब थोड़ा डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ लेते हैं देखो ये बात आप ध्यान में रखो हम ये करंटली क्या कर रहे हैं समरी ऑफ विजन आए तो इसमें जो मेन्स इसमें जो इसका स्टैटिक पोर्शन टच होता है मैं बस आपको समझाने के लिए उसका कुछ कुछ पार्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ बाकी जो डिटेल में है वो जनरल स्टडीज में ही पढ़ोगे डब्ल्यू टी ओ वगैरह के बारे में चाहे यूएनओ क्योंकि अगर स्टैटिक पोर्शन डिटेल में इसमें कवर हो जाए तो ये काफी लेंथी हो जाएगा और इस वी वीडियो सीरीज बनाने का मकसद ये है ताकि आप एक क्विक रिविजन होते रहे स्पेशली उनके लिए हेल्पफुल होगा जो अगर हाउस वाइफ प्रिपेयर कर रही है इस एग्जाम के लिए या उनको काम भी करना होता है और साथ में पढ़ाई भी करनी है या अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं ऑफिस गोइंग है तो वहां पे भी आप ऑफिस में हेडफोन लगा के ये सारे वीडियो जो है वो सुन सकते हैं तो जो उसका स्टैटिक क्वेश्चन है वो हम सेपरेटली कवर करेंगे जनरल स्टडीज के लिए भी जल्दी एक नई प्लेलिस्ट आ जाएगी ठीक है तो फिर से स्टार्ट कर आते हैं हम अपने पुराने इस पे डब्ल्यू टी ओ की अचीवमेंट्स वाइड कवरेज है क्योंकि देखो डब्ल्यू टी ओ के अंडर जो भी मेंबर स्टेट्स करंटली ट्रेड कर रहे हैं वो मोर देन एटी फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड उसमें आता है नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द ट्रेड जो है वो भी डब्ल्यू टी ओ मेम्बर्स के थ्रू हो रहा है तो इसीलिए डब्ल्यू टी ओ इज बाय फार द लार्जेस्ट ट्रेडिंग बॉडी इन द वर्ल्ड तो इम्पोर्टेंट तो है ट्रांसफॉर्म कर रहा है क्रॉस बॉर्डर बिजनेस एक्टिविटी काफी ज्यादा ग्रो कर ग्रो कर गई है डब्ल्यूटीओ के आने के बाद ये 1995 में आया था डब्ल्यूटीओ और उसने रिप्लेस किया था आपके जी ए टी टी गैट को ठीक तो, है तो कहा पूछे राइज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेंज थे वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स क्या होते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका स्मार्टफोन है ये एक ही जगह एक ही कंट्री में पूरा नहीं बनता है कहीं पे इसका स्क्रीन बनता है कहीं सॉफ्टवेयर पार्ट है कहीं हार्डवेयर पार्ट आ गया कहीं कोई कंपोनेंट आ गया Finally, एक जगह फाइनलीसम्बल होके आपको मिल जाता है तो जो डीओ फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द नेशन जिससे ये राइज ऑफ जीवीसीज भी हो जाता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन डब्ल्यू टी ओ प्रमोट करते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड इसकी इसके बेसिस पे हमारे पास दो प्रिंसिपल्स है मोस्ट फॉरवर्ड नेशन प्रिंसिपल और नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल मोस्ट फॉरवर्ड नेशन प्रिंसिपल का मतलब कंट्रीज डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने जीरो टैरिफ किया तो ये ऐसा नहीं कह सकता कि मैं जीरो टैरिफ सिर्फ बांग्लादेश को प्रोवाइड करूंगा श्रीलंका को नहीं करूंगा ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे जो भी सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स है इसको वो सारी चीजें जो है फैसिलिटीज जो है एक कंट्री को दे रहा है अपने सारी ट्रेडिंग पार्टनर्स को देने हैं उस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल कि आप अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को इतना ज्यादा लो कॉस्ट पे नहीं बेच सकते हो कि आपका मार्केट कंड्यूसिव नहीं होगा फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए फॉर एग्जांपल आपने बिल्कुल ही जीरो टैक्स कर दिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स या आपने उन पे इतनी सब्सिडीज दे दी कि वो काफी सस्ते में बिक रहे हैं अगर ये सब कुछ आप कर रहे हो तो एक अनफेवरेबल एटमोसफेयर क्रिएट हो जाएगा फॉरेन गुड्स के लिए तो फॉरन कॉम्पिटिशन फॉरेन मार्केट के लिए वो ठीक नहीं होगा फॉरेन गुड्स के लिए ठीक है तो ये जो दो चीजें हैं ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन ये भी कौन ओवरलुक करता है आपका डब्ल्यू टीओ अब देखो स्पेशल प्रोविजन फॉर डेवलपिंग एंड लीज डेवलप डेवलप्ड कंट्रीज तो इसमें जो आपका गैट है जो मैंने आपको अभी कहा था ये जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड ठीक है 1948 में फाउंड हुआ था फाइनली इसको किसने रिप्लेस किया था डब्ल्यू टीओ ने ये अभी भी फंक्शनिंग है लेकिन इसका जो मोस्टली काम है वो अब सुपर इसको सुपरसीड किया है डब्ल्यू टी ओ ने ठीक है और आपका जनरल ट्रेड ऑन ट्रेड जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गैट्स ये दोनों प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को ठीक है जैसे आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स वगैरह वैसे ही गैट्स किस चीज पे आ, आ, रेगुलेट करता है जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हो आप अपनी सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रीटमेंट के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाते हो मतलब आप वहां की मेडिकल फैसिलिटी अवेल कर रहे हो दैट मीनस वो आपको वहां सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई बैंक है वो अपना ब्रांच एक फॉरेन ऑफिस में ओपन करता है तो वहां पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री में तो इन सारी ये सारी चीजों को कौन देखता है गैट्स ठीक है तो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं मींस <coughs> इन्होंने कई जगह पे कुछ लिबरल थोड़ा सा लॉज बनाए हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ताकि वो और ज्यादा तरक्की कर सके डब्ल्यू जो है प्रोवाइड करता है टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हेल्प करने के लिए डेवलपिंग एंड लीज डेवलप्ड कंट्रीज को ग्लोबल कॉपरेशन बिटवीन द कंट्रीज भी इंश्योर करता है और ये देखता है ट्रेड रिलेटेड इश्यूज जैसे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी सर्विसेज इन्वेस्टमेंट वगैरह इन सब चीजों की नेगोशिएशंस इनकी पॉलिसी डिस्कशंस प्रैक्टिस वगैरह पे भी पूर्ण ध्यान देता है डब्ल्यू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे मैंने कहा था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी जो है वो डब्ल्यू टी के अंडर ही है तो उसमें जो भी आपका अगर मेंबर ट्रेड को लेके कोई डिस्प्यूट है वो वहां पे रिजोल्व होता है उसके लिए रेगुलेशंस बनते हैं और साथ में एक, एक एपिलेट मैकेनिज्म भी है जहाँ पे आप डिस्प्यूट बॉडी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो भी बॉडी है उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो उसकी रूलिंग के अगेंस्ट तो इश्यूज देख लेते हैं क्या पहला इशू है नेगोसिएशन डेडलॉक्स अब देखो जो नेगो मैंने पहले भी आपको बोला यहाँ पे जो भी डिसीजन बनाए जाते हैं वो कंसेंसस बेस्ड होते हैं दैट मीन जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन सबका व्यू पॉइंट देखा जाता है सारे स्टेक होल्डर्स एक म्यूचुअली अग्रीएबल डिसीजन होना चाहिए सबके लिए तो इस वजह से नेगोसिएशन डेडलॉग्स आ जाते हैं वो कुछ भी किसी एक फाइनल डिसीजन पे नहीं आ पाते ये मार्केट एक्सेस या आईपीआर और एग्रीकल्चर सब्सिडीज के केसेस में पहले भी देखा गया है जैसे इंडिया के केस में एग्रीकल्चर सब्सिडी का केस था डब्ल्यूटीओ के पास कि सब्सिडीज काफी प्रोवाइड करते हैं इस वजह से जो फॉरेन के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो वो सही से उनको मार्केट नहीं मिलता है ठीक है तो ये इश्यूज आ जाते हैं डेवलपिंग कंट्री कंसर्न्स जो डेवलप्ड कंट्रीज दे टू है नेगोशिएशंस ठीक है तो एंड हैव एन एडवांटेज इन शेपिंग द रूल्स टू देनिफिट अब देखो सीधी सी बात है मोस्टली जो फंडिंग है डब्ल्यूटीओ को इसके मेंबर स्टेट्स करते हैं तो फंडिंग कौन ज्यादा करेगा डेवलप्ड कंट्रीज तो इनका डिसीजन भी ऐसे बोला जाता है कि बायस्ड होता है और वो डोमिनेट करते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एंड स्ट्रगल टू पार्टिसिपेट इन द नेगोसिएशन प्रोसेस एंड फेस चैलेंजेस ठीक है राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड बायोलेटोलिज्म अब बायोलेटोलिज्म का और रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स का मीनस दो कंट्रीज या कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज आपस में मिलकर ट्रेड अग्रीमेंट्स बनाते हैं और अपने रूल्स एंड रेग्यूशन बनाते हैं तो डब्ल्यूटीओ को बाइपास काइंड ऑफ कर दिया है और राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है कि कंट्रीज क्या करते हैं जो इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं उस पर इतने ज्यादा टैरिफ टैक्सेस वगैरह उस पर ड्यूटीज लगा देते हैं कि वो जब आपके मार्केट तक पहुंचती है वो काफी कॉस्टली होता है ठीक थी? है तो उससे जो उनका डोमेस्टिक मार्केट है वो तो बूस्ट उसको मिलता है वो थ्राइव करता है और फॉरेन प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो काफी ज्यादा गिर जाती है ठीक है तो ये भी एक इशू है क्योंकि अब हम देखते हैं हैज बीन अ राइज इन प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स एंड शिफ्ट टूवर्ड्स बायोलिचुर और रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स इमर्जिंग इशूज क्या है कि कंसर्न एंड नॉट केप्टेस विद ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ट्रेड ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ट्रेड में अब किसकी बात होती है सिर्फ मार्केट की बात नहीं होती है इसमें बात होती है लिंकेजेस की बिटवीन ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज एस जेंडर इश्यूज ह्यूमन राइट ठीक है तो ऐसा बोला जाता है कि ये सारे ये खुद को कीप अप नहीं कर पा रही है ये जो नए इश्यूज और कंसर्नस आ रहे हैं सोसाइटी में उस चीज के साथ क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी जो है वो इन चीज के साथ भी लिंक्ड है मेंबर्स डेवलपमेंट स्टेटस कुछ जो मेंबर्स हैं वो अपना डेवलपमेंट स्टेटस को छुपाते हैं ताकि उनको एक डिफरेंशियल प्रोविजन जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिले जैसे अभी मैंने आपको वो गैट का बताया था कि वो एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है डेवलपिंग कंट्रीज को तो कुछ कंट्रीज uh, क्या करती हैं अपना डेवलप स्टेटस को uh, छु, छुपाती है तो वो भी एक इश्यू है डिस्प्यूट सेटलमेंट क्राइसिस ये भी यूएस ब्लॉक अपॉइंटमेंट बॉडी ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में ही इन एडुकुएट मॉनिटरिंग मैकेजम जो भी वॉयेशन हो रही है अगर कुछ रूल्स की उसको भी एडुकुएटली एड्रेस नहीं कर पाती है डब्ल्यू टी ओ एक इफेक्टिव टाइमली मैनर में ये भी इसका इशू है रिफॉर्म कैसे क्या मेजर लेने चाहिए इसको रिफॉर्म करने के लिए पहले तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म अगर है तो वो एक एफिशिएंट मैकेनिज्म हो वो एफिशिएंटली काम करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करो ठीक है और डिसीजन uh, कोई ग्रीन रूम्स में नहीं होने चाहिए मतलब क्लोज डोर नेगोसिएशन काइंड नहीं होनी चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो नेगोसिएशन में इन्वॉल्व होने चाहिए उसे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और ये इसकी क्वालिटी और लेजिटिमेसी जो है डब्ल्यू टी ओ रूल्स की वो इम्प्रूव हो जाएगी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ताकि लैक ऑफ लीडरशिप वाला जो इशू है डब्ल्यू टी ओ में वो एड्रेस हो जाए बैलेंसिंग डिमांड्स करना होना चाहिए। Due voice to कोई पोलिटिकल या इकोनॉमिक प्रेशर नहीं होना चाहिए अग्री करने के लिए डेसीजन्स को ठीक है और कुछ माइसिलेनेस देख लो क्या क्या है स्ट्रेंथन करो सेक्रेटेरिएट को सेक्रेटेरिएट एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो लीगल टेक्निकल असिस्टेंस देता है में उसको आप स्ट्रेंथन करो इम्प्रूव करो टेक्निकल असिस्टेंस डेवलपिंग कंट्रीज को ठीक है एज वेल अदर मेजर्स टू फेसिलिटेटर फुल पार्टिसिपेशन और फंडिंग एक्सेस टू दी इंडिपेंडेंट एडवाइस सजेस यू एनसीएडी ठीक है इसकी तरफ भी उनका जो एक्सेस है वो बढ़ाओ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये एक बॉडी है जो क्या करती है ये एक इंटर गवर्नमेंटल परमानेंट बॉडी है जो बेसिकली बात करती है इंक्लूसिविटी पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और ये असिस्ट करती है किनको डेवलपिंग नेशंस को इंटीग्रेट करने के लिए ग्लोबल इकोनमी में ठीक है तो ऐसी बॉडीज uh, का जो एक्सेस है वो बढ़ना चाहिए मेम्बर स्टेट्स के लिए और डब्ल्यू टीओ रूल्स एंड अग्रीमेंट्स जो थे वो स्टैब्लिश हुए थे बिफोर द एडवेंट ऑफ सर्टन इंपॉर्टेंट ट्रेड इशूज ये मैंने बोला बोला आपको इंडिया की भी यही प्रॉब्लम थी जैसे उन्होंने कहा था आई के जो रूल्स हमने तब बोला था जीरो टैरिफ कमिट करेंगे जब स्मार्टफोन्स नहीं आए थे तो वो सब चीजें ध्यान में रखनी है कि तब डिजिटल ट्रेड जो है ई कॉमर्स डेटा फ्लो ये सब जो चीजें हैं ये मार्केट में उतनी नहीं आई थी इनके बारे में बात नहीं होती थी तो इसीलिए रिफॉर्म की जरूरत है जिसमें हम ये सारी चीजें इंक्लूड करें ठीक है नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं जी समिट जी सेवन को ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज भी बोलते हैं ये एक ग्रुप है सेवन कंट्रीज का जो कि इकोनॉमिकली काफ़ी एडवांस्ड कंट्रीज हैं ठीक है तो अगर आपको लेमन टर्म्स में याद रखना चाहो ये एक ऐसी अमीरों की महफिल है जहाँ पे क्या बातें होती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज पॉलिटिकल पॉलिसीज या ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेड ठीक है सिक्योरिटी या इन्वायरमेंटल कंसर्न जब देखो अगर कोई अमीरों की महफिल जमा हो जाती है अमीर लोग साथ अमीर फैमिलीज़ बैठी हैं तो वो क्या बातें करेंगी इकोनॉमिक की बातें करेंगी अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ की कि कैसे हम और अमीर हो जाएं ठीक है ट्रेड और कैसे हम ख़ुद को सिक्योर करें सिक्योरिटी ग्लोबल ट्रेड आजकल क्या चल रहा है ग्लोबल पॉलिटिकल पॉलिसीज़ से उन पर क्या असर ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का उन पर क्या असर पड़ रहा है ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है ग्रुप ऑफ़ सेवन कंट्रीज़ मिलकर डिस्कस करती हैं ये कंट्रीज कौन कौन सी है ये देख लो कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान यूके यूएस ठीक है तो काफी एडवांस्ड इकोनॉमीज़ ने ये ग्रुप बनाया है अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली फोर्टी नाइन समिट हुआ ऑफ जी सेवन ग्रुप ये कहाँ पे हुआ था हिरोशिमा जापान में देखो अगर आपको स्टेट पी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन जैसे फोर्टी नाइन्थ समिट अभी कहाँ हुआ था यूपीएससी में भी आ सकता है पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी स्टेट पी में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने की है और इंडिया अलॉन्ग विद कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया ब्राजील एट्सट्रा वर इन्वाइटेड टू द समिट अब देखते हैं वहाँ पे समिट में हुआ क्या इंडिया ने अपना टेन पॉइंट एक्शन प्लान दिया है वो टेन पॉइंट एक्शन प्लान किया है ये टेन पॉइंट आप याद रख लेना ये भी आप uh, मेन्स का भी आपका कंटेंट बन सकता है और ऐसे प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है एक तो फूड सिस्टम्स को लेके इंक्लूसिव फूड सिस्टम्स दैट प्रोटेक्ट द मोस्ट वालेबल ताकि पॉवर्टी हंगर वाली बातें कि पॉवर्टी हंगर वो रिड्यूस हो जाए डीपोलिटिस ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स जो ग्लोबल फर्टिलाइजर का ट्रेड है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करने की बात की वैसी जो कंट्री फ्रेंडली मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज़ है हमें उन पर ध्यान देना चाहिए और उसको एक पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए डेवलप एंड ऑल्टरनेटिव मॉडल टू द फर्टिलइजर्स एक अल्टरनेटिव मॉडल डेवलप करना टू फर्टिलाइजर्स स्टॉप फूड वेस्टेज टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी ठीक है डेवलपमेंट मॉडल इंस्पायर बाई दी नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ आपकी वो वाली कंट्रीज होगी साधर्न हेमस्फेयर में जैसे कैरेबिन पैसिफिक आईलैंड हो गया ठीक है या आपका अफ्रीका लैटिन अमेरिका वो सारी कंट्रीज़ जो कॉलोनाइज uh, थी तो उनके साथ हम एक अपनी हिस्ट्री भी शेयर करते हैं क्योंकि वो भी सारी कॉलोनीज़ रह चुकी हैं तो उनके नीड्स से इंस्पायर होकर हमें अकॉर्डिंगली जो उनके नीड्स को सूट uh, करे वैसे मॉडल्स प्रिपेयर करने चाहिए एक हेल्थ केयर के बारे में बात हुई थी मिलेट को एडॉप्ट करना इसके बारे में रेजीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स और प्रमोट करना डिजिटल हेल्थ केयर को और इंश्योर मोबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे हमारा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वाला कॉन्सेप्ट थार करना मोबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तो ये पॉइंट एक्शन प्लान है Simple है सिंपल इसमें अगर आप आपसे कैटेगराइज भी करो तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ आ गया फर्टिलाइजर मिलेट वगैरह कुछ हेल्थ केयर का आ गया और बाकी फूड सिक्योरिटी की बात हुई थी अब यहाँ पे देख लो जी होता क्या है इनफॉर्मल फोरम ऑफ लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस विच डोमिनेट ग्लोबल ट्रेड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स ठीक है Purpose, क्या है डिस्कस करना इशू ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनर्जी पॉलिसी की महफिल में, में जो अमीरों वाली बातें होंगी वही सारे डिस्कशन यहाँ पे होते हैं उसके बाद रशिया ने भी ज्वाइन किया था नाइनटीन नाइनटी एट में और क्रिएट हो गया था जी सेवन प्लस वन दैट इज जी एट बन गया था लेकिन फोर्टीन में उसको एक्सक्लूड किया गया आफ्टर इट्स टेक ओवर ऑफ क्रीमिया ठीक है और जो ईयू है इट इज नॉट ए इसकी। तो ये भी कुछ प्री स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो आपके प्री में काम आ सकती है अचीवमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है ये आपका मेन्स का कंटेंट इसमें से कुछ बन सकता है इसने क्या काम किया है क्रूशल रोल इन सेटिंग अप अ ग्लोबल फंड टू फाइट मलेरिया एंड एड्स इन ट्वेंटी जी एस फाइनेंस मिनिस्टर्स अग्री टू बैक अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ एटलीस्ट फिफ्टीन परसेंट ऑन एम एमएनसीज एमएनसीज जो है ग्लोबल एमएनसीज इनके प्रॉफिट पे मिनिमम टैक्स कितना फिफ्टीन परसेंट ये इसकी इसका एक काम है जो इसकी अचीवमेंट है और ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम टैकल करने के लिए क्लाइमेट चेंज को थ्रू क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो किस किस की बात इसने की एक तो मलेरिया को लेके हो गया ठीक है और दूसरा टैक्स को कितना किया ग्लोबल एमएनसीज के लिए मिनिमम ग्लोबल अटैक्स जो पे करेंगे अपने प्रॉफिट पे फिफ्टीन परसेंट और एक ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम टैकल करने के लिए क्लाइमेट चेंज को तो ये इसके अचीवमेंट्स में भी आप याद रख सकते हो अब आगे देखते हैं और इस समिट में क्या क्या हुआ था इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात हुई थी इकोनॉमी से रिलेटेड हुआ था कि जो कंट्रीज है अग्री टू सेटअप अ कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म ऑन इकोनॉमिक कोर्शन काउंटर करने के लिए कोई भी अटेम्प्ट टू वेपनाइज ट्रेडिंग दैट मीनस आप ट्रेडिंग को ऐसे मुश्किल ना करो उसको ज्यादा प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाके या ऐसे टैरिफ्स वगैरह उस पर ज्यादा इंड्यूस करके जिससे हमारी जो ट्रेडिंग है वो वेपनाइज हो जाए देखो ट्रेडिंग जितनी फ्री रहेगी उतना अच्छा होगा जब आप ट्रेडिंग को ज्यादा उस पर रेस्ट्रिक्शन इंपोज करते हो थ्रू टैरिफ्स तो उससे क्या हो जाता है ट्रेडिंग वेपनाइज हो जाती है एंड स्पेशली किस चीज में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ठीक है और दे अग्रीड ऑन डी रिस्किंग कमर्शियल टाइज विद चाइना डी रिस्क करो कमर्शियल टाइज विद चाइना मीन्स चाइना पे अपनी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस उसको कम करो और जिन कंट्रीज के साथ आप ट्रेड करते हो उसको आप डाइवर्सिफाई करो मतलब जब बाकी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाओगे तो चाइना पे आपकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी और कमर्शियल टाइज जो है चाइना के साथ डी रिस्क हो जाएगी क्योंकि अब आप उनपे ज्यादा डिपेंड नहीं करोगे फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें पता है एआई पे अगर मैं आपको बोलने उसके पॉजिटिव नेगेटिव इसमें हाँ, आप एक ऐसे भी पूरा लिख सकते हो हमें पता है एआई जो है अगर हमारे लिए एक बोन भी है तो एक थ्रेट भी है तो डेवलप करना ट्रस्ट फॉर दी नेट जीरो एमिशन आपकी ग्रीन हाउस गैसेस बाई ट्वेंटी उनका हमें कितना अचीव करना है ग्रीन हाउस गैसेस का नेट जीरो एमिशन ताकि हम लिमिट कर सके ग्लोबल वार्मिंग को टू वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस ये हमने इन डिटेल एनवायरमेंट पे पढ़ा है अभी हम स्टि विल स्टिक टू द समरी जो विजन आयस पे विल स्टिक टू द मैगजी जो विजन आयस पे प्रोवाइड करी ठीक है ये जो जब मैं एनवायरमेंट के वीडियोज अपलोड करूंगी तो ये हम इन डिटेल वहां पढ़ेंगे दे ऑल्सो तो एंडोर्स जी सेवन क्लीन एन एनर्जी इकोनॉमी एक्शन प्लान जो एम्फोसाइज करता है इम्पो इम्पोर्टेंस विद ट्रेड पॉलिसीज दल्सो प्ले मेन रोल इन रीचिंग दी नेट जीरो एमिशन ठीक है ये एक्शन प्लान इसको भी एंडोर्स किया इसने रेजिलियट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इसके लिए जी सेवन ने प्रोड्यूस किया एक हीरोशीमा एक्शन स्टेटमेंट ऑन फूड सिक्योरिटी अब देखो हीरोशीमा एक्शन स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है ये प्री का डायरेक्ट क्वेश्चन आप सोचोगे इसमें आप न्यूक्लियर या कुछ वैसा करके सोचोगे पर हीरोशीमा एक्शन स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है आपका ग्लोबल फूड सिक्योरिटी से ठीक है अब क्या रिलिवेंस है जीएस की करंट पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक पावर क्योंकि सारी अमीर इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज हैं तो जो वो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगी या उनके जो फाइनेंशियल रेगुलेशन होंगे तो वो असर करेंगे ग्लोबल पूरे ट्रेड पे ठीक है तो क्या क्या इसकी रिलिवेंस है ये एड्रेस करता है इकोनॉमिक चैलेंजेस को जैसे ट्रेड इम्बेलेंसिस है बिटवीन कंट्रीज या कहीं पे करेंसी स्टेबिलिटी है कि नहीं और फाइनेंशियल क्राइसिस ठीक है तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन देव स्ट्रॉन्ग वॉइस इन शेपिंग द ग्लोबल एजेंडाज जैसे कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन तो इसमें काफ़ी से है इनकी क्योंकि ये इसमें जो आधी कंट्रीज हैं वो पी फाइव कंट्रीज भी हैं मैंने पिछले वीडियो में आपको उसका निमोनिक भी बताया था जो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हो पी फाइव कंट्रीज का निमोनिक मैंने क्या बताया था और कौन सी कंट्रीज हैं इनका एक सिम्बॉलिक इम्पॉर्टेंस भी है क्योंकि सारी इंफ्लुएंशियल डेमोक्रेसीज हैं ऑफ द वर्ल्ड कैटलिस्ट फॉर ग्लोबल गवर्नेंस अब देखो इसने एक की रोल प्ले किया है इन द क्रिएशन ऑफ एफ ए टी एफ ठीक है फाइनेंशियल टास्क फोर्स फाइनेंशियल टास्क फोर्स क्या करते हैं देखो ग्लोबली हम ट्रेड करते हैं तो पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है तो इसमें काफी चांसेस है अभी इसमें इलीगल इलिसिट मनी होने की ठीक है जिससे आपकी टेरर फाइनेंसिंग होती है या मनी लॉन्ड्रिंग होती है उन सब चीजों को एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करना किसका काम है और उसको नजर रखना किसका काम है एफ ए टी एफ का अब ये तो हो गया क्या इसका काम है फिर इज इट दैट मच इफेक्टिव वो हम आगे देखेंगे कि क्यों नहीं है वाई इट इज नॉट मच इफेक्टिव पहला क्योंकि इसकी लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है सात ही कंट्रीज हैं जी सेवन की ठीक है तो जो और की प्लेयर्स हैं अभी के देखो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज तो थी इंडिया चाइना वगैरह लेकिन अभी काफ़ी ज्यादा आगे बढ़ गई हैं अब चाइना कितनी ज्यादा आगे बढ़ गई वो हमें पता है कि ये थ्रेट के लिए भी करंटली तो चाइना इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका दे शुड हैव अ ग्रेटर से क्योंकि अब ये जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट अभी इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती हैं आपकी ग्लोबल इकोनॉमी और जियो में ठीक है तो डाइवर्जन ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि जो कंट्रीज़ है आपस में भी इनके आइडियलॉजीज़ चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हो वो नहीं मिलती हैं तो इनकी पॉलिसी प्रायोरिटीज भी डिफरेंट है कनाडा का फॉर एग्जांपल माइग्रेंट्स को लेके एक स्टैंड है यूएस का माइग्रेंट्स को लेके एक स्टैंड है ठीक है अभी जापान अपने एक अंडर कल्चरल टर्म से भी गुजर रहा है तो इनके अपने नेशनल इंटरेस्ट पॉलिसी प्रायोरिटीज हैं जिसकी वजह से एक यूनिफाइड आप बोल सकते हो फ्रंट पे ये काम नहीं करते हैं

जो ग्लोबल चैलेंजेस का कॉम्प्लेक्स नेचर जो इन पे चैलेंजेस पोज करती है वो और डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिड्रेशन की वजह से भी ये अपने सही से जो इनके कमिटमेंट्स है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं अब इंडिया एंड जी देखो जी अब देखो, देखो जो ये समरी मैगजीन्स है इससे आप ये भी देख सकते हो कि आपके मेंस के आंसर का अप्रोच भी आपको थोड़ा क्लियर हो जाता है अगर आपको जी के बारे में पूछा है तो जरूरी आपको इंडिया एंड जी के भी कुछ रिलिवेंट पॉइंट्स लिखने होंगे क्योंकि आप जो एग्जाम दे रहे हो वो इंडिया में ही आप दे रहे हो इंडिया का एग्जाम है ठीक है तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्वेश्चन में आप इंडिया का जरूरी लिखो कि इंडिया के साथ उसका क्या रिलेशन है अब देखो क्या ऑपरचुनिटीज हैं जी सेवन में इंडिया को लेके अगर एक्सपैंड हो जाता है तो इंडिया के लिए अच्छी बात होगी इंडिया का एक ग्लोबल स्ट्रैचर एनहांस हो जाता है ग्लोबल साउथ जो मैंने अभी कंट्रीज कही तो ये इंडिया जी सेवन इकोनोमीज और ग्लोबल साउथ के बीच में एक ब्रिज का, का काम कर सकता है ठीक है काउंटरिंग चाइना चाइना को काउंटर कर सकता है चाइना का जो राइजिंग एग्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज ऑफ जी एस जी सेवन स ठीक है तो चाइना को भी काउंटर कर सकता है उसकी पॉलिसीज को भी एंड अदर गुड रिलेशन विथ जी सेवन लैंड इंडिया एट दी ग्लोबल लेवल ठीक है और क्या करेगा बायलेटरल रिलेशन जो है इंडिया अलग अलग जो जी सेवन कंट्रीज है उनके साथ अपना बायलेटरल रिलेशन भी इंप्रूव कर सकेगी अगर इंडिया जो है वो इसका पार्ट बनती है इस काउंसिल का ठीक है तो ये सारे देखो ये जो पॉइंट है ना काउंटर चाइना ये आप ऑलमोस्ट हर जगह ही लिख सकते हो जहां पे भी ऐसे कोई ग्लोबल बात होती है ग्लोबली या तो ग्लोबल इकोनॉमी जियो पॉलिटिक्स जियो स्ट्रेटेजी कहीं से भी तो चाइना को काउंटर करना एक जरूरी जो है इंडिया का मोटिव रहेगा हर इशू में तो कंसर्न्स देख लो डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन वो कैसे जी सेवन के जो मेंबर्स हैं दे वर ऑल वोकल अगेंस्ट रशिया जब व्हेन इट इन्वेडेड यूक्रेन ठीक है लेकिन इंडिया का स्टैंड इसमें डिप्लोमैटिक रहा है और इंडिया नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करता है ठीक है नाम को तो इंडिया एक पार्टी की तरफ नहीं जाता है तो इसका एक डिप्लोमैटिक स्टैंड रहता है एक तो वो प्रॉब्लम है ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो साइड नहीं लेता और इसकी वजह से जो देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है मोस्ट ऑफ द जो जी है उनके व्यूज है ठीक कैसे इन मतलब इन कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है इंडिया के साथ कैसे फॉर इंस्टेंस दे आर ओपोजिंग फूड सब्सिडीज वाइल इंडिया इज इन फेवर ऑफ इट फूड सब्सिडीज क्या होता है या तो आपको गवर्नमेंट जो है हेल्प करती है डायरेक्टली चाहे वो कैश ट्रांसफर से डायरेक्टली कंज्यूमर्स के अकाउंट में पैसे डाले या कोई एग्रीकल्चर ग्रांट्स वगैरह किन स्पेसिफिक फूड पे इन फूड सेक्टर वो प्रोवाइड करे तो वो आपकी फूड सब्सिडीज होगी तो इंडिया इसके फेवर में है क्योंकि अभी हमारी जो एक तो एग्रेरियन हम कंट्री हैं और देन पॉवर्टी हंगर काफ़ी ज़्यादा राइज करता है ये स्केल हमारे लिए तो इसीलिए फूड सब्सिडीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जबकि जी सेवन को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो हमेशा इसको अपोज करते हैं कमिटमेंट जो पार्टनरशिप है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स को लेके उस पर भी ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं उसको लेटर एंड स्पिरिट में मतलब ये प्रोजेक्ट्स तो बना लिए पर उस पर काम सही से नहीं होता है एंड इट इज़ नॉट टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स फॉर रिफॉर्मिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुपिंग्स ठीक है जो रिफ्लेक्ट करे मॉडर्न डे तो बेसिकली अपना ही फायदा कर रहे हैं इसको कंसिडर नहीं करेंगे इस चीज को फाइन तो इंडिया एंड जी सेवन की अपॉर्चुनिटीज एंड कंसर्न अब कंक्लूजन में देख लेते हैं कंक्लूजन में आप हमेशा पॉजिटिव नोट पे एंड करोगे वही आपको यहाँ पे भी समझ में आएगा कि हर टॉपिक के कंक्लूड हर टॉपिक को कंक्लूड एक पॉजिटिव नोट पे ही किया गया है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप्स है इसमें क्लोज विद जी जो GS, है वो बेनिफिशियल होगी इंडिया के लिए एंड विल फुलफिल एसपिरेशन लाइक रिफॉर्मिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर मिटिगेट क्लाइमेट चेंज प्रमोटिंग ग्रीनर ग्रोथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो हमारे लिए जो है इसकी पार्टनरशिप का काफी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ठीक है तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक क्यों हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इसने रिसेंटली लॉन्च किया है एक न्यू कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी फॉर इंडिया ठीक है तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक होता क्या है बैंक से आपको पता चल रहा होगा बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है किस किसी एक स्पेसिफिक रीजन का तो आप बोल सकते हो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हेल्प करता है कंट्रीज इन द एशिया एंड पैसिफिक रीजन मतलब आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फिजी वगैरह ठीक है तो वहाँ ये क्या करता है ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उन फाइनेंशियल असटेंस प्रोवाइड करता है टेक्निकल एक्सपर्टीज़ पॉलिसी एडवाइस ताकि फॉस्टर कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ इस पर्टिकुलर रीजन की इराडिकेट कर सके या एटलीस्ट लिमिट कर सके रिड्यूस कर सके पॉवर्टी को एंड इम्प्रूव कर सके क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन दोज रीजन्स ठीक है कौन से रीजन एशियन एशियन पैसिफिक रीजन्स अब एक कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी क्या होता है बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो बताता है कि उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जिसके लिए ये सी पी एस बना है कंट्री क्या वो जो बैंक है ये क्या काम करने वाला है तो ये एक रोड मैप सा है फॉर द इंस्टीट्यूशंस एक्टिविटीज फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड अब जो सी पी एस है न्यू सी पी एस ए डी ए डी बी ने लॉन्च किया है दैट इज़ फॉर ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन अब देखो ए डी बी का एक फ्रेमवर्क है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटजी ट्वेंटी थर्टी स्ट्रैटेजी ट्वेंटी थर्टी तो आप बोल सकते हो जो सी पी एस है ये आगे इसी का काम है इसको एडवांस करेगा इस स्ट्रेटेजी ट्वेंटी थर्टी को स्ट्रेटेजी ट्वेंटी थर्टी में कुछ की प्रायोरिटी एरियाज हैं जैसे उसमें आपका क्लाइमेट चेंज की बात होती है ठीक है उसमें आपकी जेंडर इश्यूज की बात को भी टैकल किया गया है पॉवर्टी को टैकल किया गया है एक्सेट्रा तो यहाँ पे लिखा भी है प्रॉस्परस इंक्लूसिव रेजिलियन सस्टेनेबल एशियन पैसिफिक वाइल्ड सस्टेनिंग इट्स एफर्ट टू एक्सट्रीम पॉवर्टी ये क्या है स्ट्राटेजी ट्वेंटी थर्टी और आप बोल सकते हो जो ये स्ट्रेटजी है सीपीएस ये इसका एक एडवांस वर्जन है स्ट्रेटजी ट्वेंटी थर्टी का अब देखो सीपीएस में क्या होगा अभी ये किस पीरियड के लिए ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी इससे पहले ट्वेंटी एटीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू भी एक लॉन्च किया गया था ये जो सी है इसमें कॉस्ट शेयरिंग अरेंजमेंट्स होगी दैट मीन्स इस टाइम पीरियड के लिए जो भी ये पैसे यहाँ पे लगाएगा या जो ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो होगा अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए वो सेवेंटी बाय थर्टी रेशियो का होगा सेवेंटी आपका एडीबी प्रोवाइड करेगा एंड थर्टी जो आपकी डोमेस्टिक कंट्री है इस केस में इंडिया ठीक है ये सीपीएस इंडिया के लिए है अगर ये सीपीएस किसी और कंट्री का होता तो वो कंट्री थर्टी परसेंट और एडी भी सेवेंटी परसेंट जो है वो इसमें पैसे जो है इसमें लगाते अपने ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो में इतना ही पे करते अब देखो थ्री थ्री पिलर्स ऑफ स्ट्रेटजी क्या है सी के पहला होगा एक्सलोट करेगा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जॉब क्रिएशन इसमें क्या क्या चीजें हैं ये सपोर्ट करता है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री एंड अर्बन स्किलिंग नेक्सेस को ये लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन के बीच में एक नेक्सेस है वो कैसा देखो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री क्या हो गई आपकी जैसे आपके गुड्स वगैरह होते हैं ठीक है तो उनका स्टोरेज इन्वेंट्री मैनेजमेंट ट्रांसपोर्टेशन वो सारी चीजें आपकी लॉजिस्टिक्स के अंडर आ गई और आपका अर्बनाइजेशन वो आपको पता है ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन अर्बन स्किलिंग की जो पॉपुलेशन है उनको नाइस स्किल्स प्रोवाइड करना ठीक है तो इनके बीच में आपको एक नेक्सेस मिलेगा क्योंकि जितनी अर्बना अर्बन अर्बनाइजेशन होगी उतनी आपकी अर्बन स्किलिंग की जरूरत है जितनी आपकी अर्बन स्किलिंग हो जाएगी अर्बनाइजेशन होगी उतने आपको नए प्रोडक्ट्स नए गुड्स की जरूरत होगी और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री भी उतनी ही ग्रो करेगी ठीक है जहां ज्यादा पॉपुलेशन है वहां लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का काम भी ज्यादा होगा तो इस नेक्सेस को ये थ्रू इन्वेस्टमेंट सपोर्ट करेगा स्ट्रेंथन करेगा एमएसएमईज ऑगमेंट करेगा गवर्नमेंट कैपेसिटी गवर्नमेंट की कैपेसिटी को इंक्रीज को करेगा चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस से हो ताकि वो कैटेलाइज कर सके प्राइवेट सेक्टर को ठीक है दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर को वो बूस्ट दे सके ये क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रीन ग्रोथ की भी बात होगी इसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रीन ग्रोथ के लिए क्या करेगा सपोर्ट करेगा क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को ताकि हमारे जीएच जो ग्रीन हाउस गैस हैं वो मिनिमल हो जाए और हम ज्यादा क्लीन और ग्रीनर एनर्जी की ट्रांजिशन की तरफ जाएं

जो प्लास्टिक है वो उसके भी अलग टाइप्स होते हैं जैसे आपका पॉलीथिन हो गया ये अलग फॉर्म का हो गया आपके जो मिनरल वाटर बॉटल्स हैं वो अलग प्लास्टिक है आपके जो शैम्पू बॉटल्स हैं वो अलग है तो इन सब की सॉर्टिंग हो जाएगी ठीक है उसके बाद इसको क्या होगा वो रिसाइकल होगा रिसाइकल के बाद वो नए प्रोडक्ट्स में यूज़ होगा फिर फिर से वो हाउसेज़ में जाएगा और फिर से वेस्टेज बन के निकलेगा तो ये जो सर्कल है कंज्यूमर से वापस बाद में एंड साइकिल कंज्यूमर पे पहुंचना ये आपकी सर्कुलर इकोनॉमी है इससे आपका वेस्टेज मिनिमल होता है और जो रिसोर्स एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है सर्कुलर इकॉनमी के लिए और क्लाइमेट प्रूफिंग ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है जैसे फ्लड प्रोन एरियाज में थोड़ा एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स बनाना या ऐसे स्ट्रक्चर बनाना जो स्टैंड कर सके ह्यूरिकेन्स टाइफोन्स वगैरह को तो उन सब चीज़ों पर ग्रोथ करेगा ध्यान देगा प्रमोट करेगा इनको तो मतलब ये क्लाइमेट रजिलियन ग्रीन ग्रोथ जो है इसको प्रमोट करेगा डीप इन सोशल इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस वो कैसे इंक्रीज करो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू मॉडर्नाइजिंग इरिगेशन टेक्निक्स या क्लीन प्लांटिंग मटेरियल लेके आओ जैसे आपका डिजीज़ फ्री हो गया या आपका जो जेनेटिकली प्योर मटेरियल है ताकि आपकी प्लांट प्रोडक्टिविटी क्रॉप प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाए बेसिक अर्बन सर्विसेज प्रोवाइड करना ठीक है कैपिटल ह्यूमन फॉर्मेशन पे ध्यान देना मतलब अर्बन तो आगे देखते हैं हम इंडिया एंड ए की पार्टनरशिप के बारे में देखो ए ने प्रोवाइड किया है टेक्निकल असिस्टेंस इन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एजुकेशन एनर्जी हेल्थ फाइनेंस वगैरह और एड किया है माइक्रो फाइनेंसिंग सप्लाई चेन एंड माइक्रो फाइनेंसिंग माइक्रो फाइनेंसिंग मतलब आपके जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है स्मॉल बिजनेस है स्मॉल ऑन्टरप्रीनर्स है उनको भी उनमें भी आ, इन्वेस्ट करना और उनकी ग्रोथ को प्रमोट करना चैलेंजेस डिफरेंशियल अप्रोच अब देखो इंडिया में अगर आप इसको नॉर्थ में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो अलग होगी नॉर्थ की स्टेट फॉर एग्जाम्पल यूपी के लिए जो ग्रोथ है वो अलग होगी तमिलनाडु में जो ग्रोथ है वो अलग होगी क्योंकि साउदर्न जो है वो साउथ ये जो तमिलनाडु है वो कंपैरेटिवली बेटर होगा यूपी से इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ पैरामीटर्स तो डिफरेंशियल अप्रोच है जो अप्रोच इन नॉर्थ ईस्ट में यूज़ करेगा वो गुजरात में नहीं कर सकता तो इस वजह से चैलेंजेस आते हैं ए के लिए कि कहाँ पे वो कौन सा स्ट्रेटेजी जो है वो यूज़ करें हमारे पास कुछ हायर इनकम स्टेट्स हैं जैसे उनके लिए अलग प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है और लो इनकम स्टेट्स हैं उनके लिए उनको अलग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होता है और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट देखो प्राइवेट सेक्टर जो है मोर और लेस टेगनेंट इन इंडिया दिस बिकम्स अ चैलेंज फॉर एडीबी ठीक है प्राइवेट सेक्टर उतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं है ये भी चैलेंज हो जाता है एडीबी के लिए या तो इतनी एडवांस इकोनॉमिकली एडवांस कंट्री हो कि प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा हो फिर उनके लिए भी आसानी हो जाए पर ऐसा नहीं होता है तो कंक्लूड हम करेंगे जो सीपीएस है वो वेल well अलाइन्ड है विद इंडियाज नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज टू बी अचीव बाय 2047 तो हमें बेस्ट इसका जो यूज लेना चाहिए ये हमारे सिर्फ इंडिया के लिए नहीं ये पूरे साउथ एशिया के लिए अच्छी बात होगी अगर ये पार्टनरशिप जो है वो फ्लरिश करेगी थोड़ा एडीबी के बारे में देखते हैं अगर स्टेट पी में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं डायरेक्ट एडीबी के या यूपीएससी प्री में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जेनेसिस एस एस स्टैब्लिश हुआ था 1966 में इसके मेंबर्स शेयर होल्डिंग वगैरह ये आप देख लेना बिल्कुल वो रटने वाली इन्फॉर्मेशन है इसका मैंडेट ये करता क्या है बाई प्रोवाइड्स लोन्स टेक्निकल असिस्टेंस बाई प्रो टू प्रमोट सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक है फैसिलिटेट करता है पॉलिसी डायलॉग प्रोवाइड्स एडवाइजरी सर्विसेज एंड मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट रिसोर्सेज ये मोबिलाइज करता है फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस करता है लोन प्रोवाइड करता है और एक्सपोर्ट क्रेडिट रिसोर्सेज आपके एक्सपोर्ट क्रेडिट रिसोर्सेज बेसिकली क्या है ये वो सोर्सेज हैं जो हेल्प करते हैं जो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सपोर्टर्स को जो एक्सपोर्ट बिजनेस होता है या उन बायर्स को जो एक्सपोर्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदते हैं ठीक है थीके? जैसे आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक हो गया ये प्रोवाइड करेगा लोन्स वगैरह या आपके कुछ कमर्शियल बैंक्स हैं या गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है थ्रू एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी वगैरह तो आपको लोन्स फाइनेंशियल असिस्टेंट ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और क्रॉस बॉर्डर बिजनेस है वो अच्छा रहे कुछ रिपोर्ट्स जो पब्लिश करती है एडीबी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट एंड की इंडिकेटर्स फॉर एशियन पेसिफिक तो ये तीन रिपोर्ट्स भी याद रख लेना कभी रिपोर्ट्स के नाम भी आ जाते हैं ठीक है इंडिया एंड एडीबी के बारे में अगर आप देखो इंडिया एंड एडीबी के कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम है और ये अमाउंट है कितना कमिट किया गया था कितने सेक्टर्स में ठीक है ये आप अगर चाहो तो याद रख सकते हो वैसे डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि कितना इन्वेस्ट किया था वो एक अमाउंट बता दो फाइन तो ये आपका हो जाता है एडीबी कंप्लीट अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो है आपका वेस्ट एशिया नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेस्ट एशिया पहले हम मैप देख लेते हैं वेस्ट एशिया आपका वेस्ट पार्ट ऑफ एशिया इसमें ये सारी कंट्रीज जो है ये वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं ठीक है थीके? तो हम ये पढ़ के रहे हैं क्योंकि न्यूज में रिसेंटली सऊदी अरेबिया जो कि एक कंट्री है वेस्ट एशिया की पोस्टेड ए स्पेशल मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ इंडिया यूएस एंड यू ए ठीक है एक मीटिंग हुई है एन एस एस की ऑफ दीज कंट्रीज इस वजह से न्यूज में था और हमें पढ़ रहे हैं अब न्यूज में और क्या था मीटिंग वॉज हेल्ड क्यू मीटिंग हुई थी टू शेयर एडवांस्ड विजन ऑफ ऑल द फोर कंट्रीज विच इज टू सिक्योर एंड प्रॉस्पिरस वेस्ट एशिया ठीक है एक सिक्योर एंड प्रोस्पेरस वेस्ट एशिया को डिस्कस करने के लिए मीटिंग हुई थी बेसिकली एक कॉर्ड फॉर्म कर रही है इन कंट्रीज का आपका कॉर्ड क्या होता है कॉर्ड आपने पहले भी सुना होगा इंडिया यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया का कॉर्ड आपने सुना होगा ये बेसिकली एक कॉर्ड सिक्योरिटी डायलॉग है टू एनहांस इनहस देशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग इट्स मेंबर कंट्री जो चार कंट्रीज कॉर्ड मींस फोर तो फोर कंट्रीज जो ये इसका पार्ट होती है उनकी एनहांस करता है कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन ठीक है किसी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे और रीजनल सिक्योरिटी चैलेंज को काउंटर करता है ये आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉड हुआ पहले भी इन इंडिया इजराइल यू युए और यूएस का एक कॉड बन चुका है फर्स्ट कॉर्ड आई टू यू टू इसका नाम था सेकेंड कॉड ऑफ वेस्ट एशिया जो है वो इन कंट्रीज का है इंडिया यूएस एंड सऊदी अरेबिया ठीक है फर्स्ट कॉर्ड किन का था इंडिया इजराइल एंड यूएस ये इट इज ऑल्सो सीन एज सक्सेस ऑफ इंडिया पॉलिसी देखो इंडिया की ऐसी काफी पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी फिर आई एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक वेस्ट पॉलिसी जो रिलेशनशिप जो है इंडिया का और कोऑर्डिनेशन वो स्ट्रेंथन करता है द वेस्टर्न साइड ऑफ इट जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज है अब देखो ये जो कॉर्ड बना है इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा इंडिया के लिए टाइज विद वेस्ट एशिया हमारे टाइज वेस्ट एशिया के साथ स्ट्रांग हो जाएंगे जो काफी जरूरी भी है हमारी एनर्जी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेके ठीक है क्योंकि वो ग्रेटेस्ट वहाँ के ऑयल एंड एनर्जी रिजर्व कहाँ पे हैं अभी हमारे मिडिल ईस्ट में ही है और इंडिया का जो लार्जेस्ट डायस्पोरा प्रेजेंस है वो कहाँ पे है वेस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा ये है इंडियन नेशनल वहाँ पे रहते हैं काम करते हैं यूजली काम करने के लिए वहाँ जाते हैं ठीक है तो जितना ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा उतने लोग मिडिल ईस्ट जाएंगे काम करने के लिए और उतना हमारी इकॉनमी के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि जब कोई फॉरेन जाता है तो वहाँ से रेमिटेंसेज आते हैं रेमिटेंसेज मीन्स जो वहाँ से वो पैसे भेजते हैं इंडिया अपने घर वालों के लिए तो वो हमारी इकॉनमी का एक मेजर पार्ट बनता है इट विल ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट जो अर्लियर इनिशिएटिव हुए थे यूए और इंडिया के बीच में जैसे कॉम्प्रेहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बना था इन दो कंट्रीज के बीच में कि यूजली क्यों होता है ताकि ट्रेड जो है वो फैसिलिटेट करे और ट्रेड बैरियर्स जो हैं कुछ उनको हटाने के लिए एक इकनॉमिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ था इंडिया एंड यू के बीच में

इंडिया का ग्लोबल स्ट्रेचर जितने ज्यादा इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम्स इंडिया ऐसे कंट्रीज के साथ साइन करता है तो हमारा जो ग्लोबल स्ट्रेचर है वो इनहस हो जाता है और हम वर्ल्ड के मेजर पावर्स में इंक्लूड होना शुरू हो जाते हैं जैसे आपके रशिया यूरोप चाइना वगैरह ठीक है और पीस एंड सिक्योरिटी के लिए पीस एंड सिक्योरिटी देखो आप इसके लिए मैप देख लो एक बार यहाँ पे आपका इंडियन ओशन है ये आपका एटलांटिक हो गया यहाँ से आपका रेड सी हो गया रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कौन कनेक्ट करता है सुवेज कैनाल ठीक है तो अगर ये क्वाड जो है सक्सेसफुल रहता है इस एरिया का जो ट्रेड है वो इम्प्रूव हो जाएगा क्योंकि ट्रेड वहाँ ऑलरेडी ट्वेल्व परसेंट ऑफ द वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो सुवेज कैनाल से पास करता है तो अब दो चीजें होंगी एक तो जो ट्रेड है वो इम्प्रूव होगा सेकेंडली जो ट्रेड हो रहा है करंटली उसकी स्ट्रेंथ उसकी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो जाएगी अगर इनका ये जो ये क्वारड है ये सक्सेसफुल रहता है तो फिर ये कुछ मेजर्स ले सकते हैं सिक्योरिटी के लिए ओवरकम करने के लिए थ्रेट्स लाइक पायरेसी इलीगल स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स एंड वेपन एंड टेरिज्म हमारे ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए अच्छा होगा एक्सेस टू दी मार्केट आप देखो आ, अगर बायोलेटरल ट्रेड ये क्वार है ये सक्सेसफुल रहता है तो इनहस करेगा बायोलेटरल ट्रेड इंडिया का यू ए के साथ और वेस्ट एशिया की फिर बाकी कंट्रीज के साथ भी अगर वो सही से चलेगा तो उससे क्या होगा एक तो आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस इम्प्रूव हो सकता है ठीक है लेबर वहां पर जाके काफी काम कर सकता है इंडिया का फाइन तो उससे जॉब क्रिएशन इंडिया में हो जाएगी आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो ये अल्टीमेटली हमारी जॉब क्रिएशन हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा इट कैन बी यूटिलाइज टू प्रमोट एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन रूपी इन द रीजन स्पेशली फॉर द पेमेंट ऑफ ऑयल इम्पोर्ट अभी हम किस में पेमेंट करते हैं यूएस डॉलर्स में तो अगर ये कॉर्ड सही से रहता है तो अभी ये प्रमोट भी कर सकता है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन रुपी हम इंडियन रुपी में वो पेमेंट कर सकते हैं काउंटर करेगा चाइना को देखो चाइना जो है इसका ईरान के साथ काफ़ी अच्छा जो है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बन रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ईरान एंड चाइना ने ट्वेंटी फाइव ईयर लॉन्ग जस्टेशन पीरियड के लिए एक ये साइन किया है एक पैक्ट ट्वेंटी फाइव ईयर कॉपरेशन के लिए तो और इसने एक डिप्लोमेटिक रिलेशन भी आ, प्ले किया है सऊदी एंड ईरान रिलेशन को थोड़ा बेटर करने के लिए तो चाइना फुटप्रिंट वहाँ पे बढ़ रहा है उस रीजन में तो इस ऐसे में इंडिया को क्या करना है इंडिया को भी अपना वहां पे प्रेजेंट जो है इस लार्जर एरिया में वो दिखानी है शो करनी है चाइना को काउंटर करने के लिए ठीक है ये भी एक अब रहेगा हमारा पॉइंट तो यहाँ पे क्या हो गया हम अभी तक क्या कर रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वेस्ट एशिया का जो कार्ड अगर बनेगा तो क्या सिग्निफिकेंस रहेगी ये पॉइंट होगी अब उसमें इशूज़ क्या आएंगे लैक ऑफ क्लियरिटी क्योंकि स्ट्रेटेजिक गोल्स जो हैं वो भी क्लियरली स्टेट नहीं किए गए हैं कि करने के हवाले हैं ए सिमिट्री अमंग द मेम्बर्स अब देखो एक साइड से यूएसए जो मिलिट्रिलली काफ़ी स्ट्रांग है एक साइड से यू ए सऊदी अरेबिया इंडिया जो मिलिट्रिल उतनी स्ट्रांग नहीं है एज कंपेयर टू यू एस कॉपरेशन की प्रॉब्लम है देखो क्योंकि इंडिया जो है साइड्स नहीं लेता क्योंकि ना नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो करता है नैम तो ये एक आ, किसी एक पावरफुल ब्लॉक को फॉलो नहीं करेगा फाइन जबकि ऐसा इंडिया ने एब्सटेन भी किया था फ्रॉम वोटिंग ऑन रशिया यूक्रेन वॉर ठीक है बाकी जो है एक साइड ले लेते हैं पर इंडिया ये नहीं लेता है इसी से रिलेटेड आपका सेकंड पॉइंट है स्ट्रेटेजिक इटॉनॉमी स्ट्रेटेजिक इटॉनॉमी होता है हमारे मैटर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा हम इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेंगे चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो इकोनॉमी से रिलेटेड हो हमारे जो डिसीजन है हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के लेते हैं ठीक है स्ट्रेटेजिक एरियाज में ज्यादा जैसे आपके डिफेंस वगैरह सिक्योरिटी यूएसपॉन्सर्ड सिक्योरिटी डील विथ कॉम्प्लीकेट इंडिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी अगर यूएस कोई ये करता है सिक्योरिटी डील फॉर एग्जाम्पल सऊदी से करता है कोई सिक्योरिटी डील तो इंडिया के लिए वो सही नहीं होगा क्योंकि इंडिया सऊदी अगर सऊदी से करता है तो सऊदी ईरान उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो यूएस तो ऑलरेडी ईरान पर काफी सैक्शन इम्पोज कर चुका है उनके न्यूक्लियर वेपन की वजह से जो वहाँ पे चल रहा था कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं प्रोलिफ्रेट कर सकते उस तो कर चुका है और ईरान और इंडिया जो अच्छे है अच्छे फ्रेंड्स हैं तो यूएस यहाँ से सऊदी के साथ करेगा यूएस जो है ईरान ये फ्रेंड्स नहीं है पर ईरान जो है वो इंडिया का फ्रेंड है और से ये देख रहा है क्वार बनाने के लिए सऊदी के साथ तो ये काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी ये रिलेशन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया हमें पता है वेस्ट एशिया में अपने काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वहां पे पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सीरियन सिविल वॉर चल रही है तो उससे भी असर पड़ेगा इस सारी ग्रुपिंग पे क्योंकि अगेन ये भी इन पॉइंट से रिलेटेड है इंडिया कोई साइड नहीं ले सकता इंडिया इसराइल इतने अच्छे फ्रेंड्स है पर इंडिया ने अभी भी पैलेस्टीन को लेकर कोई एक अपना स्ट्रांग व्यू पॉइंट नहीं दिया है कि इसराइल एक अलग स्टेट है कि नहीं इस इशू के पे भी इंडिया ने एक डिप्लोमेटिकली ही अपनी स्टेटमेंट्स देता है कोई एक स्ट्रांग स्टैंड इंडिया ने किसी एक कंट्री के साथ नहीं लिया है इससे क्या होगा आपके दो ये ब्लॉक्स बन सकते हैं एक तो आप चाइना पाकिस्तान रशिया ईरान टर्की इसको आप क्रिप्ट करके याद रख सकते हो और सेकेंड आपका ये जो है, ठीक है ये आपका एक वर्ल्ड हो सकता है डिवाइड हो सकता है अब वे फॉरवर्ड क्या होगा बायलेटरल कंसर्न्स जो है वन वन, ऑन उनके इश्यूज जो है वो देखो बैलेंस करना राइवल कंट्रीज डिप्लोमेटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली ताकि फ्रेंडली रिलेशंस रहे कोऑपरेट करो न्यू एरियाज में ठीक है फर्दर पर्स बाय पर्सिंग कॉपरेशन विद अदर पार्टनर्स इन बोथ द मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया ठीक है साउथ एशिया आपको पता है हमारे एशिया का जो साउदर्न पार्ट uh, है उसकी कंट्रीज आपके इंडिया वगैरह और मिडिल ईस्ट जो हमने अभी वेस्ट एशियन कंट्रीज देखी प्लस इजिप्ट और कुछ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो सारी मिडिल ईस्ट कॉम्पराइज करती है मिडिल ईस्ट आप बोल सकते हो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में या आप जियोपोलिटिकल कॉन्टेक्ट में मिडिल ईस्ट बोलते हैं स्पेसिफिकली ज्योग्राफिकली अगर हमें रेफर करना होगा तो हम वेस्ट एशिया बोलते हैं डेवलपमेंट हो सकती है स्ट्रेंथन करो इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पब्लिक हेल्थ इन द डेवलपमेंट ऑफ कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट एशिया और पीस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस ऑल्सो ये भी आप वे फॉर्वर्ड में लिख सकते हो ग्रुप शुड एम टू एड्रेस ग्रोइंग कंसर्न लाइक एनर्जी फूड सिक्योरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह इन वेस्ट एशिया रीजन एंड साउथ एशिया ये सारे जो कंसर्न ये आप एड्रेस कर सकते हैं अब देख लेते हैं बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब देखो वाई वेस्ट एशिया क्यों है इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड पहले एनर्जी रिसोर्स हमें पता है वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व वहां पे है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अब देखो लोकेशन कहाँ पे है ठीक है यहाँ से आपका ऊपर यूरोप स्टार्ट होता है ये आपका यूरोप है ये आपका मिडिल ईस्ट हो गया ठीक है वेस्ट एशिया हो गया यहाँ से आपका एशिया हो गया यहाँ से आपके अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हो गए तो ये काइंड ऑफ एक ब्रिज है यहाँ से एशियन और यहाँ से आपका जो अमेरिकन अमेरिका वगैरह है उसके साथ नॉर्थ अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका ठीक ये यूरोप अफ्रीका एशिया सर्विंग एज अ क्रॉस रोड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ट्रेड रूट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी क्योंकि वो रिलीजन वो जो रीजन है बाय वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग इजराइली पहले सीरियन सिविल वॉर ऑनगोइंग टेंशन बिटवीन ईरान एंड नेबरिंग कंट्रीज ठीक है इससे क्या हो जाता है इन कॉन्फ्लिक्स की वजह से देखो ऑयल प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ भी पेट्रोल महंगा हो जाता है अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही होगी <laughs> तो ये जो अगर कॉन्फ्लिक्ट किसी ऐसे एरिया में चल रहा है तो इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट होता है ग्लोबली ट्रेड इम्पैक्ट हो जाएगा ग्लोबल इन्फ्लेशन भी हो जाती है अब देखो रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि जुडाइज्म क्रिश्चियनिटी इस्लाम जो यहाँ के बड़े बड़े सारे रिलीजन हैं वो उनका बर्थ प्लेस रहा है इकोनॉमी एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी जैसे हमारी ऑलरेडी ये काउंसिल्स हैं गल्फ काउंसिल सच एज सऊदी अरेबिया यूएई कतर हैव बीन इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ठीक है अट्रैक्टिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रमोटिंग बिजनेस पार्टनरशिप इंडिया के साथ और अभी सऊदी अरेबियन ऑयल में जो कंपनी है आराम को इसकी भी काफी इन्वेस्टमेंट्स है यहाँ पे तो अगर ऐसा कॉड एक बनता है तो हमारा जो बायोलेटलेशन है इस एरिया के साथ वो भी इस एरिया के कंट्रीज के साथ वो भी साथ में इम्प्रूव हो जाएगा ठीक है तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इंडिया एंड पैसेफिक आईलैंड कंट्रीज इंडिया एंड पैसिफिक आईलैंड कंट्रीज इन न्यूज में क्यों था क्योंकि रिसेंटली थर्ड थर्ड फोरम हुआ है इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन का कहाँ पे मोर्सबाई पोर्ट पे विच इज द कैपिटल ऑफ पापोर न्यू गिनी ठीक है इससे पहले हम एक मैप देख लेते हैं इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा हमारा आता है तो ये जो येलो सर्कल में आप देख रहे हो येलो वाला सर्कल यहाँ से ये ये आपका इंडो पैसिफिक रीजन है ठीक है ये जो रेड सर्कल है ये इंडियन ओशन है ये पैसेफिक ओशन है ब्लू सर्कल और ग्रीन सर्कल आपका आसियान है ठीक है ये आपको अभी नहीं देखना है अब देखो है क्या ये ये इंडो पैसिफिक रीजन आ गया अब ये फोरम क्या है बेसिकली लॉन्च हुआ था 2014 में ये इंडिया ने लॉन्च किया था कोऑपरेट करने के लिए पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज जो है उनके साथ ठीक है ट्रेड को ट्रेड के रिलेटेड सिक्योरिटी रिलेटेड क्लाइमेट चेंज एंड ऑल तो ये फोर्टीन आईलैंड कंट्रीज इसमें आती है जिनको कैटेगराइज किया है तीन मेजर ग्रुप ऑफ आईलैंड में मलेनिशिया माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनीशिया ये कंट्रीज ठीक है तो मोर ऑन न्यूज़ क्या था इंडिया ने अनाउंस किया ट्वेल्व पॉइंट डेवलपमेंट प्लान फॉर द पैसेफिक आईलैंड नेशन डेवलपमेंट प्लान जो है वो फोकस करेगा ट्वेल्व पॉइंट प्लान है फोकस करेगा हेल्थ केयर रिनीबल एनर्जी साइबर सिक्योरिटी वगैरह पे ये मैनिफेस्ट करता है इंडिया की एक्टिज पॉलिसी और इंडो पैसेफिक पॉलिसी उसको मैनिफेस्ट करता है क्योंकि इसमें ईस्टर्न एरिया आ गया ये इंडिया का ईस्टर्न एरिया और पैसेफिक रीजन तो इंडो पैसेफिक और uh, एक्ट ईस्ट को मैनिफेस्ट करेगा सेकेंडली इन लाइन्स है विद साउथ साउथ कॉपरेशन साउथ साउथ कॉपरेशन में कौन सी कंट्रीज आगी आपकी जो ये लैटिन कंट्रीज है लैटिन अमेरिका आपका एशिया ठीक है और अफ्रीका ये सारी कंट्रीज साउथ साउथ कॉपरेशन में आगी तो इन्हीं लाइन्स पे क्लाइमेट पे और ट्रेड को लेके डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसने अपनी एक एसोसिएशन बनाई है सिग्निफिकेंस क्या है पीआईसी का जियो स्ट्रैटेजिक है क्योंकि वहां से ट्रेड वगैरह हमारा जो है वो पास होता है इस रीजन से तो इंटरनेशनल कॉमर्स के लिए क्रिटिकल है मेरीटाइम सिक्योरिटी क्योंकि हम अब बियॉन्ड ईस्ट ऑफ मलक्का जो है मलक्का स्ट्रेट ये आपका मलाय पैदेला है ये मलक्का स्ट्रेट है ये आपका इंडोनेशिया वाला रीजन है ठीक है ये वर्ल्ड मैप पे देख सकते हो ये आपका इंडोनेशिया वाला रीजन है स्ट्रेट ऑफ मलक्का तो उसके बियॉन्ड हम देख रहे हैं तो दैट मीन हम अपना ब्रॉडर जो मेरीटाइम स्ट्रेटेजी है उसका फुटप्रिंट हम बड़ा कर रहे हैं PIC with rich are a of and जैसे आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस ठीक है तो ईजीज होते क्या है देखो जो कंट्री की कोस्ट लाइन है उससे लेके कुछ किलोमीटर तक ओशन में जो एरिया है उस उसपे उस कंट्री का ये होना राइट उसके मरीन रिसोर्सेज को वो एक्सप्लोयड कर सकता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये अगर इंडिया है ये इसका कोस्ट है ठीक है कोस्ट से आगे ओशन में यहाँ कितने किलोमीटर तक उसका एरिया होगा उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने किलोमीटर तक होगा उस एरिया का जो मेरी है वो एक्सप्लोयड कर सकते हैं ठीक तो पी की जो कुछ कंट्रीज हैं पैसेफिक आईलैंड कंट्रीज जो है उसमें से कुछ कंट्रीज है उस ग्रुप में जिनका इईजी e -E इंडिया के लैंड मार्स और प्लस उसके इई e -E को मिलाकर उससे भी बड़ा है जैसे किरिबाती इसका स्मॉलेस्ट कंट्री है वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज इसका इजी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स पे है तो काफ़ी आपको वहाँ पे मिनरल एक्सप्लोटेशन करने को मिलेगी रीजनल एंड ग्लोबल एंगेजमेंट ये स्ट्रेंथन करता है अगर ये जो कॉपरेशन है ये सक्सेसफुल रहता है ये ग्रुप ये स्ट्रेंथन करेगा नेटवर्क ऑफ अलायसेस एंड पार्टनरशिप रीजनल और ग्लोबल लेवल पे ठीक है कल्चरल टाइज भी हैं जैसे फिजी हो गया पापा पापोन गिनी हो गया वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटीज हैं काफी और हमारे हिस्टोरिकल टाइज भी रहे इन कंट्रीज के साथ तो प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर लैंग्वेज एजुकेशन ट्रेड ये काफी अच्छा रहेगा तो ये सारी चीजें जो सिग्निफिकेंस है इसकी जियो स्ट्रेटेजिक हो गया मरी मेरीटाइम सिक्योरिटी इकोनॉमी ठीक है रीजनल एंड ग्लोबल एंगेजमेंट कल्चरल टाइज अब हम चैलेंजेस देखते हैं क्या है कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल पावर अब मिनरल रिसोर्स रिच एरिया है तो ऑब्वियसली सिर्फ इंडिया का तो उसमें स्टेक नहीं होगा तो वहां पे काफी अटेंशन उसको मिलता है बाकी कंट्रीज से भी जैसे चाइना जापान यूएस रशिया वगैरह तो हमारे लिए वो एक चैलेंज होगा ठीक है आगे देखते हैं अनयूटिलाइज ट्रेड पोटेंशियल अनयूटिलाइज ट्रेड पोटेंशियल जितना हमारा ट्रेड पोटेंशियल है उतना हम टैप नहीं कर पाते हैं सिर्फ एक मीगर थ्री हंड्रेड मिलियन डॉलर्स जो ट्रेड है वो इंडिया और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के बीच में करंटली हो रहा है जबकि पोटेंशियल उसे काफी ज्यादा है एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है फोकस्ड ऑन इंडियन ओशन रीजन पे ज्यादा जिसकी काफी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी है ठीक है और इस एरिया को जो है वो निगलेक्ट किया गया लिमिटेड एंगेजमेंट पी में अगर इंडियन डायोसपोरा देखा जाए तो रिवॉल्व कहाँ होता है ज्यादा फिजी और पापा गिनी में ये देखने को मिलेगा आपको पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी इन्हीं कंट्रीज में ज्यादा है तो एक लिमिटेड कॉन्टैक्ट है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस दूर है तो फिजिकल कनेक्टिविटी और रेगुलर एंगेजमेंट जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है जिसकी वजह से अगर ट्रैवल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन वो कॉस्टली हो जाता है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट मैंने आपको कहा कम है इन कंपेरिजन टू वेस्ट एंड इज लेस ऑन पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट विद पी आईसीज अगर आप कंट्रीज का भी जहां जाना चाहो मोस्टली आपके ईस्ट और वेस्ट साइड से जो कंट्रीज है वहीं के नाम आते हैं जो पी आईसीज है वो थोड़ा नेगलेक्टेड है उतना कॉन्टेक्ट हमारा उनके साथ डेवलप नहीं हुआ है अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है हाई लेवल एंगेजमेंट ठीक है करो हाई लेवल विजिट्स और एक्सचेंज विदीडर्स फ्रॉम पी आई सी ताकि एक बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथन हो जाए डेवलपमेंट असिस्टेंट इंडिया एनहेंस कर सकता है डेवलपमेंट असिस्टेंट से ग्रांट हो गया कंसेशनल लोन्स या टेक्निकल कॉपरेशन टू पी आईसी ठीक है कोलैबोरेट किन किन चीजों में कर सकता है क्लाइमेट रेजिलियंस अडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज ठीक है टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है उनको सपोर्ट करके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है एवेन्यूज एनहैंस करने के लिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पी में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिससे जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है उसको वो फॉस्टर करेगा और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है लोगों की वो बढ़ेगी इसको कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट कर सकते हैं कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हैं इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट वहाँ के पोर्ट्स में एयरपोर्ट्स में रोड्स एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है तो ये सारा वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो पाँच छे पॉइंट है इसमें से आप दो तीन भी एग्जाम में लिखो तो काफी है इंडो पैसेफिक अब कौन सा एरिया है ये मैंने आपको मैप पे ऑलरेडी दिखाया रेलिवेंस क्या है इंडो पैसेफिक की हमारे लिए नियरली फिफ्टी परसेंट ऑफ इंडिया ट्रेड जो है वो इंडो पैसिफिक से होता है और नाइन्टी परसेंट इंडियन ओशन से होता है तो फिफ्टी परसेंट भी कम नहीं है इंडिया की मेरी सिक्योरिटी इसके साथ लिंक्ड है क्योंकि वहां से हमारे पास चाइना भी है तो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आप पढ़ लेना एक बारी उसको काउंटर करने के लिए हमारा रिलेशन उस एरिया में इंडो पैसिफिक में होना बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनहांस करता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन को ठीक है इनिशिएटिव्स क्या ऑलरेडी किए हैं 2019 में इंडिया ने सेटअप किया था इंडो पैसिफिक विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 2020 में ओशियाना डिवीजन क्रिएट किया गया था एम e. में लॉन्च किया फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक आइडिया और सागर इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक ओशिया इनिशिएटिव आईपीओआई और ग्रुप्स लाइक कॉड जो है उनका भी स्पेशल एम्फेसिस होता है इंडो पैसिफिक रीजन में तो काफी इंपॉर्टेंट रीजन है तो उसके साथ हमारा अगर फोरम जो है वो सक्सेसफुली जो लाइंस पे कॉपरेट किया है वो सारी चीजें अचीव करने में वो सक्सेस उसको मिलती है तो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वो काफी और हमारे एक इस ग्लोबल स्ट्रेचर को एनहैंस करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा तो ये इंडो पैसिफिक इंडियन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज आ गया अब देखो जहाँ भी चाइना काउंटर करने की बात होगी वहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप कमेंट्स में लिखे मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो फॉर नाउ आपका ये जो एरिया है पोर्शन ये कंप्लीट होता है अब हम नेक्स्ट में वीडियो में देखेंगे ये जो न्यूज एंड शॉर्ट्स है